मैं संजय सोनी, जैसा कि देव सर ने भी मेरा पूरा परिचय दिया ही है, और आज इस बिजनेस को बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत मोटिवेशन के साथ और बहुत होप के साथ और बहुत बड़े विजन के साथ आज से 2 साल, 2.25 साल पहले दोस्तों इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया। विधिवत ये बिजनेस मेरा 1 जनवरी 2019 को स्टार्ट हुआ है, और जब जनवरी 2019 का नया साल लगा था उसी टाइम ये क्लियर हो गया था कि इस बिजनेस को मैं टाइम पास करने के लिए नहीं ज्वाइन करूंगा। इस बिजनेस में कुछ नया आयाम, कुछ नई हाइट्स, कुछ नई ऊंचाइयां, कुछ नया बड़ा करने के लिए बिजनेस में दोस्तों मैंने स्टार्ट किया। और ये बिजनेस जो है वो मुझे नहीं, मेरी टीम को भी बहुत बड़ी सफलता दिलाए, और मेरी ट्रेनिंग लेने वाला हर व्यक्ति, चाहे आज मेरी आप टीम में हो या नहीं हो, मेरा ट्रेनिंग लेने वाला हर आदमी इस बिजनेस को बहुत हाइट पे ले जा सके और मेरे एक्सपीरियंस से अगर थोड़ा लाभ उठा सकता है तो उसका लाभ उठावे। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मीटिंग जस्ट स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम जैसे कि संजय सोनी है, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, कंपनी ने एक रैंक दिया मेरे को जो कंपनी का लगभग 7वां रैंक, शायद 7वां रैंक होना चाहिए ये कंपनी का। और बेसिकली मेरा बैकग्राउंड राजस्थान से, मैं एक मारवाड़ी बनिया बैकग्राउंड से हूँ, जहाँ पर मुझे अपने पूरे परिवार में, आज मेरा उम्र 40 के पार हो गया है, लेकिन मुझे अपने परिवार में कभी नौकरी करना नहीं सिखाया गया, मुझे कभी नौकर बनना नहीं सिखाया गया कि तुमको नौकर कैसे बनना है या नौकरी कैसे करना है। मुझे यह सिखाया गया कि यदि तुमको जिंदगी में बड़े सपने पूरे करने हैं तो तुमको मालिक बनना पड़ेगा, और मालिक बनने के लिए तुम्हें मालिक वाला एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। जब तक मालिक वाला एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप नहीं होगा तब तक आप मालिक नहीं बन पाए। तो नौकर और मालिक ये भी एक ट्रेनिंग है, बहुत बड़ा ट्रेनिंग का सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग ESB क्वाड्रेंट के थ्रू किसी और ट्रेनिंग में लेंगे, आज की ट्रेनिंग में वो सब्जेक्ट नहीं है। तो मालिक कैसे बना जाए, तो ये एटीट्यूड मेरी जिंदगी में 19 साल की उम्र में बिल्ड कर दिया गया था। मेरे फादर ने ये बिल्ड किया था कि यदि तुमको मालिक बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, और यदि तुमको नौकर बनना है तो तुमको MBA करना पड़ेगा, MCA करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, तुमको बहुत बड़े बड़े डिग्री कोर्स यदि तुम करते हो BCOM के बाद, BSc के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, तो एक अच्छा नौकर कैसे बन सकते हो ये हमारी एजुकेशन हमको सिखाती है, लेकिन अच्छा मालिक बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो हमको बिजनेस सिखाता है। तो बिजनेस के लिए मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए, ट्रेडिशनल मार्केट में भी मैंने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए, लेकिन वो सब बिजनेस करने के बाद, उसमें भी एक छोटा मोटा सक्सेस पाने के बाद, मैंने वो सब को छोड़ करके मैंने पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज गति से ग्रो करने वाला और पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज गति से भागने वाला, जिसमें गरीब से गरीब आदमी, एक मध्यम वर्गीय आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पीठ के ऊपर में मिडिल क्लास का टैग लगा हुआ है वो अपनी टैग को हटा सकता है, एक ऐसा बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया जिसमें मैं अपनी जिंदगी का नहीं, मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी का, लाइफ का, पूरा करियर उनका, लाइफ का पूरा दिशा चेंज कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस को मैंने अपनी लाइफ में स्टार्ट किया। दोस्तों आप लोग कितना महत्व देते हैं इस इंडस्ट्री को मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री के लिए अपना घर छोड़ा है, मेरा होम ग्राउंड राजस्थान, मैंने अपना घर छोड़ा है, मेरा होम टाउन, सेकंड होम टाउन मेरा यूपी जहाँ मेरे फादर रहते हैं, मैंने वो भी छोड़ा है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी गली में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में रहने को तैयार हूँ। पहला लेसन आपके लिए यही है, क्या आप करने को तैयार हो? अगर आप करने को तैयार हो तो आपका सपना पूरा होगा, और यदि आप नहीं करने को तैयार हो तो सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी होगी। और इसका एक ही कारण है दोस्तों, इसका एक ही कारण है, अगर आप MBA करोगे, MCA करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, कुछ भी डिग्री लेके जाओगे, क्या आपका गली, आपका घर, जिस गली में आप पैदा हुए हो, क्या वो आपको नौकरी देने वाला है? नहीं देने वाला है। आपको बॉम्बे में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कनाडा में, आपको अमेरिका में, आपको किसी न किसी दूसरे जगह पे जाके आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, तब महीने का 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमाओगे। लेकिन दोस्तों आपको यदि घर बैठे इस इंडस्ट्री से बहुत बड़ा इनकम लाना है तो आपको अपनी कंडीशन और अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो आज उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में आज की ट्रेनिंग आपका सहायता करेगा। दूसरी बात, पिछले 20 सालों से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरे इंडिया में चल रही है, और 20 सालों में शुरुआत के जो 10 साल है, वो 10 सालों में जो भी लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना जो हाथ अजमाए या जो भी लोग अपना दिमाग उसमें चलाए, वो लोग आज इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बात करते हैं। जब आप इस इंडस्ट्री का प्लान लेकर के कहीं भी जाते हैं, जब आप भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, माई लाइफस्टाइल कंपनी का प्लान लेकर के आप जब किसी के व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी नेटवर्कर के पास जाते हैं, किसी लीडर के पास जाते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, या किसी भी आम जनता के पास आप जब जाते हो, तो आम जनता सबसे पहले आपको बोलती है, आज से 5 साल पहले हमने भी ऐसा किया था, मतलब अपने नेगेटिव थॉट्स आपके सामने वो बताने की कोशिश करती है, और उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप लोग
निराश होकर के बैठ जाते हैं और आपको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत कुछ चल चुका है। लोग ऐसा बोलते हैं कि ये बिजनेस तो हमने बहुत किया है, हमने तो इस तरीके का बहुत सारा प्लान किया। अच्छा, वो जोड़ने वाला प्लान, अरे हमने तो बहुत किया है। मैं क्लियर कट बोलता हूँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति मेरे को बोलता है कि ये जोड़ने वाला प्लान, मैं बोलता हूँ दोस्तों ये जोड़ने वाला प्लान नहीं। आपने जब कोई मेरे को बोलता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान, मैं बोला बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं क्या बोलता हूँ वहां पर, मेरे डायलॉग्स क्या रहते हैं, ये डायलॉग सीख लिया तो आप बिजनेसमैन बन गए, और इन डायलॉग को आप नहीं सीखे तो आप ई मेंटालिटी यानी नौकर मेंटालिटी में आप प्रवेश कर। तो आपको सबसे पहले परिवर्तन के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज देखिए, मैं आपको बोर्ड पे ट्रेनिंग लेने वाला, मेरा ट्रेनिंग जो है लगभग बोर्ड पे ही होता, क्योंकि मुझे पता है कि टीचर जो है ना वो स्टूडेंट को बोर्ड से जितना अच्छा पढ़ा सकता ना और कोई तरीके से नहीं पढ़ा सकता। और आज मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सब लोग थोड़ी देर के लिए मेरे स्टूडेंट बनने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं। थोड़ी देर के लिए अगर आप स्टूडेंट बनने को तैयार हो, थोड़ी देर के लिए यदि आप मेरे को गुरु मानने को तैयार हो, तो शायद यह बिजनेस आपकी लाइफ में आपको बहुत आगे ले जा सकता है। तो देखते हैं, आज हम लोग फिर थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट बनते हैं, थोड़ी देर गुरु बन के देखते हैं और आपको वो बताने की कोशिश करते हैं जो शायद आपको नहीं पता है। देखिए, सबसे पहले मैं जो आपको चीज क्लियर करने वाला हूं, इस चीज को आपको दोस्तों समझना है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, कोई भी बिजनेस जो है ना वो डेवलप होता है, नंबर वन, कोई भी बिजनेस में, सिर्फ माय लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा, दुनिया का कोई भी बिजनेस डेवलप होता है आपके इस ट्रायंगल से डेवलप होता है। नंबर वन कम्युनिकेशन, नंबर टू नॉलेज, नंबर थ्री एक्शन, नंबर फोर एटीट्यूड, और ये सब डेवलप होता है तब का साथ में बिलीव। जब तक कम्युनिकेशन, नॉलेज, एक्शन, एटीट्यूड और बिलीव पे आप काम नहीं करेंगे, आपका धंधा या आपका बिजनेस तो डेवलप होने वाला नहीं है। तो आप एक अच्छी नौकरी कर सकते हो, आप एक ऐसी नौकरी कर सकते हो जो जिंदगी भर आपको मिडिल क्लास का टैग लगा के आपको उठना पड़ेगा, एक ऐसी नौकरी आप कर सकते हो। लेकिन यदि आपको बिजनेस में सपने पूरे करने हैं तो आपको इस ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। आज से 20 साल पहले मेरे पास डायरेक्ट मार्केटिंग का टोटल लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है, और 20 साल पहले मैंने ये जो चीज सीखी थी वही मैं बताने वाला हूँ, बिजनेस की जो बातें सीखी थी। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, अगर हमारा और आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत सॉलिड हुआ, यदि आप किसी से बात करने में अगर आपको संकोच होता है तो संकोच को अपने को खत्म करना है, क्योंकि संकोची आदमी जिंदगी में कभी प्रोग्रेस नहीं करता। अगर हमें सबसे पहले कम्युनिकेशन में बहुत सॉलिड होना पड़ेगा, तो हमें अगर कोई चीज नहीं मालूम है तो हमें अपने अपलाइन के साथ में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर आप इस बिजनेस में जुड़ने के बाद अपने आप को लीडर मत समझिए, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को समझिए, लीडर मत समझिए, और डिस्ट्रीब्यूटर बनकर के अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा डेवलप करिए। अपलाइन उसको नहीं बोलते हैं जिसने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया, अपलाइन उसको बोलते हैं जो इस बिजनेस में बहुत जबरदस्त तरीके से आगे ग्रो कर रहा है। ग्रोइंग अपलाइन के साथ आपको बात करना है और उसके साथ कम्युनिकेशन सेटअप करना है, और कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको अपने बिजनेस को अगले लेवल पे लेके जाना है। कैसे, आप देखिएगा, कम्युनिकेशन जब आपका सॉलिड होगा तो आपको मिलेगी नॉलेज, और नॉलेज आपका सॉलिड होगा तो आपका एक्शन प्लान तैयार होगा, और जब एक्शन प्लान कम्युनिकेशन नॉलेज से सब सॉलिड होगी, जब आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होगा, आप सीखने के लिए तैयार होंगे और आपका बिलीव लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए, हमारा बिजनेस में जब आप आते हैं, बहुत सारा मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, एलडीपी, आरटीपी में आप जाते हैं, वहां आपको सिर्फ इसलिए ले जाया जाता है। आप बोलते हो 500 का टिकट, 1000 का टिकट लगता है सर, या टिकट लगता है क्या, ये सब बातें बोल करके आप सिर्फ ये बोलना, मतलब आपको केवल एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर ये 500 का टिकट या 1000 का टिकट है, जो भी टिकट पे आप जब ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हो, तो वहां से आपका बिलीव जो है ना वो स्ट्रांग होता है, और जब तक आपका बिलीव लेवल स्ट्रांग नहीं होगा, आपके बड़े सपने खासकर बिजनेस में तो पूरे नहीं। तो बिलीव लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में, हर सेमिनार में, हर आरटीपी में, हर एलडीपी में हमको अटेंड करना पड़ेगा। और अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वो जब आपका एटीट्यूड और आपका बिलीव जब ये डेवलप होगा, तो कम्युनिकेशन नॉलेज एक सेकंड थोड़ा फास्ट हो जाएगा। पहले क्या होता है, स्लो चलता है, लेकिन वो बाद में फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको, आज जो मैं आपको टॉपिक पे बात करूंगा वो नॉलेज वाला टॉपिक। जितना ज्यादा सीखोगे, जितने ज्यादा लर्निंग करोगे, LEARNING, जितने ज्यादा लर्निंग करोगे उतने ज्यादा अर्निंग आपकी होगी। और आज हम लोग
टीसीआर ग्रुप के सौजन्य से मैं मेरे ग्रेट डायमंड अप्लाई चंचल रस्तोगी साहब, अपनी जिंदगी में मैं हमेशा उनका ऋणी और उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने माई लाइफ स्टाइल जैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पिछले 16 साल से, मतलब इस मैनेजमेंट के साथ पिछले 16 साल से वो बने हुए हैं, और इन्होंने माई लाइफ स्टाइल कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर इतना जबरदस्त विश्वास जताया, उनके विश्वास को देख के, उनके बिलीव लेवल को देख के मैं भी 2019 में माई लाइफ स्टाइल कंपनी करने के लिए मजबूर हो गया। और इस बार मैं माई लाइफ स्टाइल कंपनी को ऐसे ही नहीं करने आया था, इस बिजनेस में कुछ नया आयाम, कुछ नए रास्ते डेवलप करने आया हूँ, कुछ ऐसा क्रिएशन करने आया हूँ जो मेरी नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए हर आदमी की लाइफ को बदल दी। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने अपने नॉलेज को अपग्रेड किया, मैंने वो किया जो दूसरा व्यक्ति एक साल में करता है, वो मैंने एक दिन में किया, 6 दिन में किया, 7 दिन में उसको कंप्लीट किया। कैसे किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इस बिजनेस को मैं ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने क्या 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 किए, सारे स्टेप्स आज की ट्रेनिंग में मैं सामने लाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग जो चीज नहीं जानते हो मैं उसको पर बताता हूँ। नंबर 1, आप लोग जो नहीं जानते हो मैं उसको पर बताता हूँ। सबसे पहला टॉपिक, व्हाई पीपल नेगेटिव अबाउट एमएनएम। हमारे भारत के लोग एमएलएम इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति इतना नेगेटिव क्यों है, पहला क्वेश्चन। हमें ऑब्जेक्शन से ही शुरुआत क्यों करनी पड़ती है, लोग हमारे बिजनेस को वैल्यू क्यों नहीं देते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन में क्या है वो बताना चाहता हूँ। 4 डब्बे की स्टोरी में आपके सामने बताना चाहूंगा, इसी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये 4 डब्बे आप देखिएगा। नंबर 1, नॉन बैंकिंग सेक्टर। नंबर 2, जेजे सेक्टर। नंबर 3, कॉन्सेप्ट बेस्ड मार्केटिंग। नंबर 4, रियल प्रोडक्ट मार्केटिंग। ये पिछले करीब करीब 20-25-30 सालों से भारत के मार्केट में 4 टाइप के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। पहला नॉन बैंकिंग सेक्टर, जिसमें लोगों का पैसा 5 साल में डबल करने का, 10 साल में डबल करके एक जमा योजना की तरह प्लान को चलाया जाता था, और वो सारी जमा योजना प्लान 2010-11-12 में बंद हो चुकी है, और पब्लिक उसके बारे में नेगेटिव हो चुकी है, गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं होने की वजह से वो नॉन बैंकिंग सेक्टर खत्म हो गया। दूसरा झोलझाल कंपनी, मार्केट में इतनी सारी झोलझाल कंपनियां मार्केट में आई है, जिसको जेजे कॉन्सेप्ट बोलते हैं, झोलझाल कंपनी। मतलब आप 10,000 जमा करो, आपको काम कुछ नहीं करना है, हर हफ्ता आपको हम 10% देंगे, हर महीना आपको 10% देंगे। और लॉकडाउन की स्थिति में अभी ऐसी बहुत सारे कंपनियां कुकुर मुत्ते की तरह मार्केट में उग आती है, और लोग ऐसी कंपनी में बहुत जल्दी अपना पैसा डबल ट्रिपल करने के चक्कर में जाते हैं, और वहां अपना पैसा पूरा डुबा देते हैं, अपनी जमा योजना पूरा, जमा धन पूरा लुटा देते हैं, और इस तरीके से मार्केट को पूरा निगेटिव बना के रखते हैं। नंबर 3, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोडक्ट मार्केटिंग। ये जो है पॉइंट, इसको समझना, ऐसे मार्केटिंग प्लान जिसमें प्रोडक्ट नहीं बिकता, जिसमें कॉन्सेप्ट बिकता, जिसमें प्रोडक्ट, साउंड क्लियर नहीं आया सर? साउंड क्लियर है, साउंड क्लियर है। ओके, हाँ, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड मार्केटिंग यानी तीसरा डब्बा। ये तीसरे डब्बे को आपको सभी लीडरों को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत ध्यान से समझना है। ये जो तीसरा डब्बा है वो पिछले 15 साल से भारत में बहुत तेजी से चला है। ये तीसरा डब्बा जो है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड, जहां पर कॉन्सेप्ट बिकता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता, जहां पर आप आईडी बेचते हो, जहां पर आप रिक्रूटमेंट पे प्लान चलाते हो, जहां पर आप सिर्फ ज्वाइनिंग पे प्लान चलाते हो, कितना ज्वाइनिंग हुआ, 100 ज्वाइनिंग, 200 ज्वाइनिंग, 500 ज्वाइनिंग, 1,000 ज्वाइनिंग, 10,000 ज्वाइनिंग, 20,000 ज्वाइनिंग, 50,000 ज्वाइनिंग, आप जहां पर सिर्फ ज्वाइनिंग निकालते हो, जहां पर आप आईडी निकालते हो, उसको बोलते हैं तीसरे डब्बे वाला प्लान। और ये तीसरे डब्बे वाला जो प्लान है वो पिछले 15 साल तक भारत में खूब चला, और मैं भी ऐसे प्लानों में शामिल रहा हूँ, और हमारे बहुत सारे लीडर ऐसे प्लानों से निकले हुए हैं जो आज माई लाइफ स्टाइल कंपनी कर रहे हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड तो तीसरा डब्बा जो है, जहां पर आपका प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं होता है, वहां पर आप 10,000 की आईडी या 7,000 से 7,000 रुपए की आईडी पर आप काम करते हो, और वहां पर आप सिर्फ ज्वाइनिंग निकाल करके हफ्ते का कैपिंग लगाने का प्रयास करते हो, जब वही डायलॉग और वही एटीट्यूड के साथ में जब आप माई लाइफ स्टाइल कंपनी का बिजनेस डेवलप करने जाओगे दोस्तों, तो रिटेल और रीपर्चेज नहीं निकलेगा, ज्वाइनिंग निकलेगा। और जब ज्वाइनिंग निकलेगा तब आप 5 साल में आरटीसी बनोगे और 7 साल में एनटीसी बनोगे, और जब रिटेल और रिपर्चेज तब निकलेगा जब चौथा डब्बा आपको क्लियर होगा। जब तक चौथा डब्बा आपको, जब तक ये नहीं पता चलेगा
कि हम लोग कौन सी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, हम किस कैटेगरी के डब्बे में हम लोग काम कर रहे हैं, हम तीसरे डब्बे में काम कर रहे हैं, हम चौथे डब्बे में काम कर रहे हैं। आप चौथे डब्बे में हो, माई लाइफस्टाइल यानी प्रवीण चंदन साहब ने आपको चौथे डब्बे का प्लान दिया है, लेकिन आप इस प्लान को कर रहे हो तीसरे डब्बे की मानसिकता से। जब तक आप इस प्लान को तीसरे डब्बे की मानसिकता से करोगे, ये प्लान आपको 5 से 7 साल में एनटीसी बनाएगा। और जिस दिन इस प्लान को आप चौथे डब्बे की मानसिकता से करना शुरू करोगे, एलिमेंट वेलनेस के इस बिजनेस को, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग के इस बिजनेस को, जब आप चौथे डब्बे की मानसिकता से करना शुरू करोगे, तब ये बिजनेस आपको रिटेल और रिपर्चेज का मास्टरी हासिल करा देगा और ये बिजनेस आपको बहुत तेजी से आगे ग्रो करा देगा। 2 साल में एनटीसी लाइन लगा करके आपकी टीम में निकलेंगे और सिर्फ 300 लोगों की टीम से आप महीने का 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया महीने का कमाओगे। दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताया नहीं, मैं आपको हल्का सा बता दूं, 2 साल की लाइफ में पहले 15 दिन के अंदर हमने टीसी टीम कोऑर्डिनेटर लेवल हासिल किया था, सिर्फ 15 दिन के अंदर। कोई ईगो नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई हमने उसका सेलिब्रेशन नहीं किया, टीसी लेवल का हमने नहीं किया। उसके बाद 1 से 1.5 महीना के अंदर इस बिजनेस के अंदर में हम लोग अगला लेवल पार किए थे, डीटीसी लेवल। लगभग 2 महीना के अंदर डीटीसी लेवल पार किया था, हमने कोई सेलिब्रेशन उसका नहीं किया, मैंने अपना खुद का कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। उसके बाद मैंने जेटीसी लेवल हासिल किया, 3 महीना लगा टोटल मेरे को, 3 महीना में जेटीसी लेवल हासिल किया, हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। दोस्तों 6 महीना के अंदर हमने इस कंपनी में एसटीसी लेवल हासिल किया, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर, हमने कोई सेलिब्रेट नहीं किया उसको। 1 साल के अंदर हमने आरटीसी लेवल आरटीसी लेवल हासिल किया इस प्लान के अंदर में। तब यहाँ पर एक हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का बढ़िया प्रोग्राम हो रहा था, उसमें हमें कंपनी के प्रोग्राम में एक सेलिब्रेशन मिला, हमें एक ट्रॉफी मिला, पर्सनली हमने उसका भी कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। सेलिब्रेशन तब होता है जब आपके पास टीम बहुत बड़ी होती है, हमारे पास तो टीम ही बहुत बड़ी नहीं है, हम काहे का सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन हमारा फोकस क्या था, हमारा फोकस आईटीसी है दोस्तों, हमारा फोकस ये आरटीसी एनटीसी ये सब नहीं है, आईटीसी और डायमंड जाना हमारा फोकस है। और वो फोकस हम 5 साल के अंदर कंप्लीट कर देंगे और 5 साल में रिटायरमेंट, यानी इस बिजनेस में अगर आप आईटीसी और डायमंड बन जाते हो, 5 साल में बन जाते हो, आपका रिटायरमेंट हो जाता है। और हमें जवानी में रिटायरमेंट लेना है, बुढ़ापे में नहीं लेना। अगर आपको जवानी में रिटायरमेंट चाहिए तो आपको माई लाइफस्टाइल कंपनी के प्लान पर हमें अपना बिलीव लेवल को हाई करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को बिल्ड करना पड़ेगा और उसके लिए आपको जबरदस्त मोटिवेट होकर ट्रेनिंग लेने पड़ेंगे और टेक्निकल ट्रेनिंग पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ये जो थ्योरिटिकल ट्रेनिंग है चलेगा, लेकिन हमेशा नहीं चलेगा, आपको आपको टेक्निकल ट्रेनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर चौथा डब्बा क्या है, रियल प्रोडक्ट मार्केटिंग। ये जो आप चौथा डब्बा देख रहे हो, रियल प्रोडक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर आईडी नहीं बिकता, यहां पर देखिए आईडी बिके, यहां पर हफ्ते का 2 लाख 10 हजार रुपए बिके, यहां पर आपका कंपनी बिकेगा, सब कुछ बिकेगा, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट नहीं बिकता क्योंकि प्रोडक्ट को यहां वैल्यू नहीं दी जाती। लेकिन जब चौथे डब्बे की कंपनी हमें मिली है तो वहां पर प्रोडक्ट हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि चौथे डब्बे की जो कंपनियां होती है इनका मेन मिस क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। चौथे डब्बे की कंपनियों और तीसरे डब्बे की कंपनियों में अंतर क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। जब तक ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, तब तक आपका एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा, रिटेल और रिपर्चेज भूल जाएगी। रिटेल, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में रिटेल और रिपर्चेज ज्यादा हो, तो आपको चौथे डब्बे की कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, तीसरे डब्बे के बारे में थोड़ा सा जानना। तीसरे डब्बे में कंपनी का अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट कोई पेटेंट नहीं होता, प्रोडक्ट का कोई मतलब रिजल्ट नहीं होता, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होता जिसके रिजल्ट हो। लेकिन जब चौथे डब्बे की बात आती है, क्लियर, जब चौथे डब्बे की बात आती है तो चौथे डब्बे में नंबर वन, चौथे डब्बे में नंबर वन 80% प्रोडक्ट अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग होने चाहिए। कंपनी के पास अपने खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, अपना खुद का साइंटिस्ट होना चाहिए चौथे डब्बे की कंपनियों के पास, साइंटिस्ट अपना खुद का पेटेंट प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बाजार में कहीं नहीं मिलेगा, 100% आपका प्रोडक्ट पेटेंट होना चाहिए, ठीक है, और वो प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो आपको जहां तक मैंने आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने माई लाइफस्टाइल कंपनी का चुनाव क्यों किया, 100% कंपनी के अपने खुद के साइंटिस्ट है, 100% रिसर्च अपना खुद का है, कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स अपने खुद के पेटेंट है, यानी हमारा तो ब्रांड ही पेटेंट है, एलिमेंट वेलनेस जो हमारा ब्रांड है वही पेटेंट है, और इसके अलावा रिसर्च
रिजल्ट रिजल्ट की बात करो तो मेरा आइडिया से एलिमेंट वेलनेस जो हमारी ब्रांडिंग है, इससे फास्ट रिजल्ट किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा आपको। मेरा भी 20 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हमने बहुत सारे और भी कंपनियों में देखा है, कुछ करके भी देखा है, कुछ हमने लोगों को देखे भी देखा है, लेकिन उतना बढ़िया रिजल्ट हमको किसी कंपनी में नहीं मिले जितना फास्ट हमको हमारे इस ब्रांड में मिल रहे हैं। तो रियल प्रोडक्ट मार्केटिंग का जो चौथा डब्बा है, इसमें प्रोडक्ट जब इतना पावरफुल है आपके पास, जब आपके पास 100% रिसर्च बेस्ड, आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हमारे पास रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, हमारे पास डॉक्टर डीबीए नारायणा जैसे साइंटिस्ट है, हमारे पास में रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो फिर आप तीसरे डब्बे की तरह इस प्लान को क्यों करते हो, आप इसको चौथे डब्बे की तरह करिए। तो चौथे डब्बे में कैसे किया जाएगा, उसी को रिटेल और रिपर्चेज बोलते हैं, उसी को रिटेल और रिपर्चेज प्रमोशन बोलते हैं, और आज हम लोग उस टॉपिक पर भी अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं फटाफट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आज हम लोग थर्ड डब्बे से बाहर निकल के आज हम चौथे डब्बे में जा रहे हैं, और ये चौथे डब्बे की कंपनी जब हमको मिल गई है तो इसके बारे में हमें और अच्छे से जानना पड़ेगा। अब आप देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे लीडर दूसरी कंपनियों के हमारे कॉम्पिटिशन में खड़े, जिसमें वो इंटरनेशनल कंपनी जो 110 कंट्री में चल रही है वो भी इंडिया में हमारे सामने खड़ी है, और इसके अलावा बहुत सारी विदेशी कंपनियां हमारे इंडिया में खड़ी है। मैंने तो कसम खाई 2010-11 में की बात बता रहा हूँ, 2010 के आसपास, कि जिंदगी में कभी फॉरेन की कोई नेटवर्क कंपनी नहीं करूंगा, विदेश की कोई नेटवर्क कंपनी नहीं करूंगा। उसके पीछे भी कोई रीजन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चौथे डब्बे में जब जाएंगे तो चौथे डब्बे में बहुत सारी कंपनियां खड़ी है जो कभी बंद नहीं होंगी, और जिसमें वो सारी विशेषताएं हैं जो हमारी कंपनी में है, वो सारी विशेषताएं उन कंपनियों के अंदर भी है, लेकिन वो चौथे डब्बे की जो कंपनी है इसमें और हमारी कंपनी में कुछ तो अंतर है, जिसकी वजह से मैंने उन कंपनियों को नहीं करने का कसम खाया है और इस कंपनी को मैंने करने का कसम खाया है, और इसमें सक्सेस होने का मैंने कसम खाया है। तो कैसे हम सफल होंगे दोस्तों, आज इस पॉइंट को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आप डायरी पेन पर नोट कर लीजिए, डिफरेंस बिटवीन MI Life एंड अदर MLM। जब तक यह पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा, तब तक मार्केट में जब आप अपना प्लान लेके जाओगे तो लोग आपकी बजाएंगे, दूसरी कंपनी में काम करने वाले लीडर भी आपकी बजाएंगे, बहुत अच्छे से बजाएंगे। और जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि हमारे कल प्लान में और दूसरी कंपनियों के प्लान में क्या डिफरेंस है, तब तक आप अपने पैर जमा के किसी के सामने अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ और बिलीव के साथ आप खड़े नहीं हो पाओगे। आपको डर लगेगा फील्ड में जाने से, मार्केट में जाने, आपको हर वो चीज अच्छी लगेगी जिसे पैसा नहीं आए, प्लान देना नहीं जाना पड़े, लोगों को फेस ना करना पड़े, समझ रहे हैं, आपको हर वो चीज अच्छी लगेगी। लेकिन जिस दिन आपको ये पता चल गया कि हमारा प्लान में और दूसरी कंपनियों के प्लान में अंतर क्या है, उसके बाद आप घर में रुक नहीं पाओगे, उसके बाद आप घर के बाहर ही रहोगे, क्योंकि आपके पास हर सवाल का जवाब है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कशन करते हैं, हमारी कंपनी का यहाँ नाम लिखते हैं, यहाँ पर पहले लिखते हैं अदर कंपनी, इधर लेते हैं, और माई लाइफ स्टाइल को इधर लेते हैं, दोनों में अंतर क्या। तो जितने भी कंपनियां जो चौथे डब्बे में फोर्थ डब्बे में काम करती है, जो लीगल है, जिनके पास पेटेंट प्रोडक्ट है, सब कुछ बढ़िया है उनके पास, मान के चलो माई लाइफ स्टाइल जितना तो नहीं, लेकिन सब कुछ ठीक है, बंद नहीं होगी कभी, इन कंपनियों का जो प्लान है वो जनरेशन और हमारे कंपनी का प्लान हाइब्रिड है। अब आप पूछोगे सर मैं तो पहली बार ज्वाइन की, मुझे तो कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हाइब्रिड क्या होता है, जनरेशन क्या होता है, आपको बता दूं वहां पर आपको मल्टी लैब डेवलप करने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक अपलाइन अपने चाहे जितने लैब डेवलप कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आप 2 लैब से ही 8-10 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, 2,10,000 हफ्ते का कमा सकते हो। यहाँ इस पॉइंट को मैं सिर्फ 5 मिनट में खत्म करूंगा, आगे चलेंगे हम रिटेल और रिपर्चेज पे। जनरेशन हाइब्रिड नंबर 2, यहाँ पर मंथली क्लोजिंग होता है, दूसरी कंपनियों में हमारे यहाँ वीकली क्लोजिंग, साप्ताहिक पैसा देती है, तो महीने का पैसा लेना अच्छा कि हफ्ते का। तीसरा,
इसमें प्रोडक्ट के जो रिजल्ट है वो बहुत स्लो आता है, 3 महीना में 4 महीना में 2 महीना में इससे पहले तो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको दूसरे कंपनियों में, लेकिन अपने कंपनी में आपको 4-5 दिन के अंदर ही प्रोडक्ट जो है बॉडी को बताना शुरू कर देता है, 15 दिन से 30 दिन में ठीक ठाक रिजल्ट हम लोगों को सेटिस्फाइड कर देते हैं। इस वजह से हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे होने की वजह से, हमारा ब्रांड बहुत अच्छा होने की वजह से हम लोग जो है यहाँ पर आगे हैं दूसरे कंपनियों से। चौथा, इनका जो प्लान है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो अदर कंपनियां है ना इनका प्लान आपको समझ में नहीं आएगा, ये अपने प्लान में ना आपको पहले तो ये बीवी में उलझाएंगे, चलो बीवी में उलझने को तैयार है, फिर थोड़ी देर बाद बोलेंगे पीवी होगा, मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट है उसका 80 रुपया बीवी है 40 रुपया पीवी है, मतलब बीवी और पीवी जहां दोनों में उलझाना शुरू कर देते हैं वहीं पर मान के चलो दिमाग हैंग हो जाता है, वहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो यहां पर ना बीवी है ना पीवी, यहां पर आप सीधा सीधा एक पॉइंट ले लो बीवी, और मैं तो बीवी भी नहीं लेता, मैं तो डीपी में लेता हूं सीधा सीधा, मैं तो बीवी का 12% भी नहीं बताता, मैं तो डीपी का 9% की बात करता हूं, सीधा सीधा जितना रुपया दोगे उसका 9% मैचिंग आपके अकाउंट में आ जाएगा, मेरे को तो सीधे सीधे गणित समझ में आता है, बीवी का 12% और डीपी का 9% एक बात है। तो हम लोग डीपी के 9% पे काम करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि प्लान को यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड प्लान है और माइलाइफस्टाइल का प्लान जो है ना बहुत इजी प्लान, यहाँ पर तो एक अनपढ़ गवार आदमी भी 2 मिनट में प्लान में कन्वेंस हो जाता है, आसानी से समझ जाता है यदि आप इस प्लान को आसानी से समझाओ तो। लेकिन आप भी अगर इंटरनेशनल कंपनियों की तरह अपने प्लान को कॉम्प्लिकेटेड समझाओगे ना तो लोग बहुत ज्यादा दिन मोटिवेट नहीं रहेंगे, ड्रीम के ऊपर खाली कितने दिन मोटिवेट रखा जा सकता है, पैसे से बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कोई नहीं है, जब तक लोगों को अच्छे से पैसा नहीं आएगा जब तक सीखेंगे नहीं तब तक सिखाएंगे नहीं, और जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग आसान तरीके से प्लान डुप्लीकेट हो सके जिससे गधा भी प्लान को समझ जाए, समझ रहे हैं, एक साधारण आदमी भी प्लान को समझ जाए, इतना सिंपल प्लान को रखो कि कोई मूर्ख आदमी भी हो जाए ना वो भी इसको आसानी से समझ जाए। तो आपका प्लान बहुत इजी होना चाहिए, हमारा कंपनी का प्लान बहुत इजी है, लेकिन हम लोग हो सकता है कि उसको कॉम्प्लिकेट करके लोगों को समझा रहे हैं। और आगे मैं बताने जा रहा हूं, हमारा जो प्लान है अदर कंपनियों का प्लान है डिफरेंशियल कमीशन पे किया जाता है, डिफरेंशियल कमीशन, और हमारे प्लान में इक्वल रेशियो कमीशन दिया जाता है। अब यह बहुत बड़ा पॉइंट है आपको बता दूं, डिफरेंशियल कमीशन का मतलब है कि दूसरी कंपनियों में क्या होता है 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21% ऐसे कुछ लेवल बनाए रहते हैं कि इतना बिजनेस लाओगे तो इतना परसेंटेज आपको लेवल इनकम देंगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई लेवल नहीं, हमारे यहाँ आप बिजनेस लाओ चाहे आपकी टीम लावे चाहे उसका टीम लावे चाहे उसका टीम लावे, जितना डेप्थ से बिजनेस आएगा हमारे यहाँ इक्वल कमीशन मिलता है 12% मैचिंग का, ऊपर से नीचे तक 12% ही आपको मिलता है बीवी में। लेकिन अदर कंपनियों में बोलने को बोलते हैं कि हम 21% पे, हम 18% पे, हम 15% पे, लेकिन एक्चुअली वो 12 नहीं होते हैं, 15 नहीं होते हैं, वो 3% पे होते हैं। जिस दिन शुरू करते हैं तब भी 3% होते हैं और जिस दिन खत्म करते हैं उस दिन 3% पे होते हैं, इसलिए वो लोग थकार के छोड़ देते हैं, बताने को 21% मिलता है 3%, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है ऊपर वाला 21 पे नीचे वाला 18 पे तो आपको 3% दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ऊपर वाले को भी 12%, नीचे वाले को भी 12%, सबसे आखिरी वाले को भी 12% और पहले वाले को भी 12%। तब तक हम आपको 12% पे करेंगे जब तक आपका इनकम हफ्ते का 2,10,000 नहीं आएगा, तब तक हम आपको 12% अनलिमिटेड डेप्थ तक पे करेंगे। ये हमारे प्लान की यूएसपी है दोस्तों, और आपको जब तक ये यूएसपी पता नहीं रहेगी ना मार खा के आओगे, किसी भी बड़े इंटरनेशनल कंपनियों के लीडरों के पास जाओगे ना, और नाम का इंटरनेशनल है, हमारे इंडिया से बढ़िया कुछ भी नहीं है आपको बता दूं नेशनल में, समझ रहे हैं, बाहर के लफड़े भी आपको नहीं पता है। आप अभी लोग बोलते हैं कि हम इंटरनेशनल और हम विदेश में रहते हैं, मेरे को नहीं जमता, मैं बोला तू विदेश में रह के 3 लाख कमाता है ना, हम लोग इंडिया में रह के 5 लाख कमाते हैं, समझ रहे हो, विदेश में हम लोग वहां जाकर के जो है ना झाड़ू पोछा नहीं करेंगे, हम अपने इंडिया में रह करके हम इंटरनेशनल हम नेशनल कंपनियों में काम करेंगे और हम भारत की कंपनी में काम करेंगे, और जहां पर हमें ऊपर से नीचे तक 12% 2,10,000 पे हफ्ता आने तक हमको दिया जाता है पे किया जाता है, तो काय को विदेशी कंपनी में काम करेंगे। तो हमने अपना एटीट्यूड डेवलप कर रखा है, हमें इंडिया से प्यार है, हम इंडिया से प्यार करते हैं, विदेशी कंपनी को नहीं पसंद, कितना भी अच्छा कंपनी आ जाए कितना भी लालच वाला प्लान दे दे हम नहीं करेंगे, हम इंडिया का कंपनी करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है,
इक्वल रेट टू कमीशन, यहाँ पर डिफरेंशियल कमीशन, जिसकी वजह से हमारा जो है प्लान बेटर हो जाता है दूसरे कंपनियों से। और बता दो, एक लास्ट पॉइंट बता के खत्म कर रहा हूँ उस पॉइंट को, इसमें आप जो विदेशी कंपनियां ना, इसमें आपका बिजनेस हर महीने की 30 तारीख को जीरो हो जाता है। मतलब एक लेग में बिजनेस गया 10 लाख का, दूसरी लेग में नहीं गया, तो वो 10 लाख अगले महीने जीरो। लेकिन हमारी कंपनी में ऐसा नहीं, आपकी की भी मेहनत पिछले महीने में, यदि आपने एक लेग में 10 लाख का धंधा दिया है, मान लीजिए माई लाइफ स्टाइल के एक लेग में आपने 10 लाख का धंधा आपकी टीम ने दिया है इस महीने या इस हफ्ते, तो अगले महीने आपका ये जो बिजनेस नहीं आया अगर इस महीने बी लेग में, तो अगले महीने ये 10 लाख का बिजनेस जो है ए लेग वाला, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होके, और इस लेग में आप 10 लाख का धंधा अगले महीने डालोगे तो वो मैचिंग हो जाएगा और आपको 12% कंपनी दे देगी। और इन कंपनियों में आप ठगे के ठगे रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कितनी पहले बजा दी जाएगी, आप थक जाओगे, हार जाओगे, उसके बाद बोलोगे, कसम खाओगे, आपके बाद एमएलएम इंडस्ट्री कभी नहीं करूंगा, माय लाइफ नहीं, किसी भी कंपनी को नहीं करूंगा। और ये एटीट्यूड जो है पिछले 15 साल से बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी डेवलप कर दिया है दोस्तों, जिसकी वजह से आज आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना थोड़ा सा टफ हो रहा है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से बजाता हूँ ऐसे लोगों को। और सब कुछ आपका एटीट्यूड, सब कुछ आपका बिलीव लेवल, और सब कुछ आपका काम, काम बोलता है। जब आप काम करके दिखाओगे, सफल होके दिखाओगे, 2 साल में एनटीसी बनने की कसम खाओगे, आरटीसी बनने की कसम खाओगे 1 साल के अंदर, तो अच्छे अच्छे लोग आपके नीचे आकर के ज्वाइन करेंगे, बड़े बड़े कंपनी के लीडर भी, जो अपने आप को तोप खान समझते थे। समझ रहे हैं दोस्तों, अचीवमेंट से बड़ा कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा होता है अचीवमेंट। आप अपना ड्रीम और आप अपना गोल सेट करो, जब तक आपका ड्रीम और आपका गोल आप सेट नहीं करोगे, और आपको मैं बता दूं, ड्रीम और आपका गोल में पूरा होगा, 100% पूरा होगा, लेकिन जब तक आप नॉलेज लेने के लिए आप तैयार नहीं होगे, जब तक आप लर्निंग के लिए तैयार नहीं होगे, आपको बड़ा अर्निंग नहीं मिलने वाला। आज जो आपको संजय सोनी बोल रहा है, आज आपको जो सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये आज का नहीं, उसका कई सालों का एक्सपीरियंस आज आपके सामने बोल रहा है, तब ये जाके नॉलेज के साथ ही आपको अर्निंग होती है। तो कैसे आगे चलते हैं, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, और इस पॉइंट को जब भी फील्ड में जाओगे तो आपको नॉलेज में रहना चाहिए। और आपका जो भी डायरेक्ट एक्टिव अपलाइन है, जो बड़ा लीडर है, उनसे भी आप पूछिए, इसमें 10 पॉइंट टोटल बनेंगे। अभी मैंने टाइम की कमी की वजह से मैंने अभी आपको 4 या 6 पॉइंट ही बताए, इसमें 10 पॉइंट निकाल सकते हो अदर एमएलएम में और अपनी कंपनी में क्या अंतर है। और मैं माई लाइफ स्टाइल कंपनी केवल इसी वजह से कर रहा हूँ कि दूसरी कंपनी में बहुत लफड़े हैं, लोचे हैं, अपना कंपनी में कोई लफड़ा नहीं है, एकदम सिंपल ट्रांसपेरेंट प्लान, बहुत एक्सपीरियंस मैनेजमेंट ने इस प्लान को स्टार्ट किया है। अब आगे चलते हैं कि जब हमारी कंपनी चौथे डब्बे का प्लान है, तो हम इस प्लान को तीसरे डब्बे की तरह, तीसरा डब्बा जो है सिर्फ हमें रिक्रूटमेंट सिखाता है, और चौथा डब्बा हमको रीपर्चेज एंड रिटेल सब कुछ सिखाता है। चौथा डब्बा आपको कंप्लीट बिजनेसमैन बनाता है, तीसरा डब्बा आपको एक सेटवर्कर बनाता है, नेटवर्कर भी बनाता है, साथ में एक सेटवर्कर भी बनाता है, लेकिन चौथा डब्बा आपको प्योर नेटवर्कर बनाता है। प्योर नेटवर्कर बोले तो पैसिव इनकम, 100 लोगों की टीम से महीने का 1 लाख, ये चौथा डब्बा सिखाएगा। 200 लोगों की टीम बनेगी, आपका इनकम 2 लाख, 500 लोगों की टीम से आपका इनकम 5 लाख। समझ रहे हैं, ये सिर्फ चौथे डब्बे में संभव है। आज आप लोग बहुत लकी हो कि आपके पास माई लाइफ स्टाइल कंपनी का मैनेजमेंट है, सिर्फ जरूरत है बिलीव और एटीट्यूड, ये दोनों चीजों को आप डेवलप करो, थोड़ी सी अपनी नॉलेज स्किल को बढ़ाओ, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ाओ, और थोड़ा सा उसको रिमिक्स करो, अपने नॉलेज के साथ रिमिक्स करो, और रिमिक्स करके मार्केट में छोड़ दो, आपका काम हो जाएगा। आपको पता ना, अनिल कपूर का ताल पिक्चर हिट हुआ था, आलोक नाथ जो है चंबा के जंगलों में बैठ के गाने लिखता था, और उस गाने को अनिल कपूर बॉम्बे में बैठ के रिमिक्स करता था, और उसके गाने सुपर हिट हो जाते थे। जमाना रिमिक्स का है दोस्तों, जमाना जो है चंबा के जंगलों में बैठ के गाने बनाने का नहीं है, रिमिक्स करो, रिमिक्सिंग का जमाना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आप अपने पुराने नॉलेज को इस नए नॉलेज के साथ रिमिक्स करें, तब आपका बिजनेस भागेगा, बहुत तेजी से भागेगा, और आपके लोग भी आपके साथ खुश रहेंगे। रिक्रूटमेंट और रिपर्च, इन दोनों में तालमेल बनाना। रिक्रूटमेंट तभी हो सकता है जब आप घर से बाहर निकलोगे और अपने आप को, अपनी छवि को, अपने
पैसे को, अपने एटीट्यूड को, अपनी गाड़ी को, अपने बंगले को, अपनी लाइफ स्टाइल को बेचोगे तब रिक्रूटमेंट हो। लेकिन रिपर्चेज और रिटेल के लिए ये सब नहीं चाहिए। और पहली मुलाकात में जब हम लोग किसी से भी मिलते हैं, किसी के भी घर जाते हैं, तो आप पहली मुलाकात में सिर्फ 5% लोगों को ड्रीम के बारे में बात करें और 95% लोगों के साथ आप ड्रीम पे बात मत करिए, प्रोडक्ट के ऊपर बात करिए, नीड के ऊपर बात करिए, उसकी नीड क्या, सामने वाले की नीड क्या। तो आपका जो इंट्रो जो होता है, इंट्रोडक्शन, उसको आप कैसे देते हो उसी पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज करो आपके ससुर जी, आपके फादर इन लॉ आपसे अगर पूछे कि सर आप क्या काम करते हो, आप क्या बोलोगे? नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। तो वो क्या समझेगा मालूम है? अरे यार, वो 20 साल पहले हमने भी तो जुड़े थे ना उसी कंपनी में, 1998 में 1999 में 1999 में 100 में। तो उसको लगेगा यार मेरे दामाद जी तो बहुत चीप लेवल का बिजनेस करते, क्योंकि यार मैं भी उसमें फेल हो गया था और मेरी तरह बहुत सारे लोग भी फेल हुए थे, मेरे दोस्त भी फेल हुए थे, कुछ सक्सेस नहीं हुआ, और वो लोग भी उस तरीके से मानसिकता बना के और आपको हल्के में ले लेंगे। और यदि वहां पर आप बोलोगे कि मैंने ससुर जी मैं आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट में काम करता हूँ और मैंने भारत का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, जो आयुष मंत्रालय के कंसल्टेंट साइंटिस्ट है, भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसके कंसल्टेंट साइंटिस्ट है, उनके द्वारा बनाया गया एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांड है एलिमेंट वेलनेस, उस ब्रांड की मैंने एजेंसी लिया है और पूरे इंडिया में मैं डॉक्टर और मेडिकल मार्केट को सप्लाई देता हूँ। बोलिए मैं क्या लगता हूँ? मैं पूरे इंडिया में डॉक्टर्स और मेडिकल मार्केट को सप्लाई देता हूँ। अब बोलिए, और मेरे पास बहुत बड़ा एजेंसी लेवल बिजनेस है, महीने का 2-3 लाख रुपए आराम से घर बैठे आ जाता, माल चलता रहता है, बिकता रहता है, पैसा आता रहता है। अगर आपने अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करोगे, मैं लीडरों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा लीडर लोगों को अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, क्यों लीडर लोगों को यह इंट्रोडक्शन देना है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। अगर आप लीडर लोग अगर इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दोगे अपना थोड़ा डायलॉग को, तो क्या होगा ना, जैसा पिता होता है ना वैसे ही बच्चा होता है, जैसा बाप करेगा वैसे बेटा करेगा, मतलब अपलाइन जो करेगा ना वही डाउनलाइन करेगा, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जैसा इंट्रोडक्शन दोगे ना वैसे ही आपका डाउनलाइन देगा। अब आपने तो बोल दिया मेरे पास एमजी या कोई भी बड़ा गाड़ी है, बड़ा घर है, बड़ा सब कुछ है, और आपने अपना एटीट्यूड के साथ में अपना अपना इंट्रोडक्शन या इन्विटेशन दे दिया, लेकिन आपके साथ जो नया जुड़ने वाला बंदा है वो अपना इंट्रो कैसे देगा? तो आपको बताना है, हमारे पास एक एलिमेंट वेलनेस के नाम से बहुत प्रीमियम क्वालिटी का आयुर्वेदिक हर्बल ब्रांड है जिसको मैं सप्लाई करने का काम करता हूँ, जिसकी मेरे पास एजेंसी है और उसका मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन का काम, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम। अब आप अपने धंधे को, आपको बड़ा काम मिला है लेकिन आप अपने धंधे को इतना छोटा करके बताओगे, वही आप पुराना सिस्टम पैटर्न पे आप बात करोगे, ये 21वीं सदी चल रही है, समय के साथ आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि लोग आपके साथ में एक बेचने वाले लोगों की बहुत बड़ी टीम आपके साथ आ जाएगी। आपके ससुर जी क्या बोलेंगे मालूम? अरे यार मेडिकल मार्केट में मेरे भी 2-3 मित्र है, उनको अपने दवाई बताओ ना, वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे और वो आपको बोलेंगे मेडिकल मार्केट में मेरे 2-3 मित्र हैं, एक काम करो ना उनको भी जाके प्रोडक्ट समझा दो ना, समझे ऐसे बोलेंगे आप। ठीक है, आप जैसा इंट्रोडक्शन करोगे अपने रिश्तेदारों को, देखिए मार्केट के 95% लोग आपको चाहिए, 5% लोग आपको नहीं चाहिए। और आप लोग गलती क्या करते हो, ये जो 5% लोग है ना, जो पुराने नेटवर्कर और 95% जो लोग हमारी प्रेशर देता है, आप लोग जैसे ज्वाइन करते हो ना बिजनेस को, ये प्रेशर लोगों को अवॉइड करते हो, 5% नेटवर्कर लोगों को आप फोकस करते हो जो पहले किसी कंपनी में फेल हो चुके हैं, और आप इनको फोकस टारगेट करते हो और जाकर के डायलॉग भी गलत बोलते हो, तो होगा क्या, ये लोग आपकी बजा देंगे। आप 95% लोगों को टारगेट करिए और ये 95% लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, इनको बताइए कि मैं एक बहुत बड़े आयुर्वेदिक प्रीमियम ब्रांड में काम कर रहा हूं। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, आपको ये नहीं बताना है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करता हूं, आपको ये नहीं बताना है शुरुआत में ही कि मैं माय लाइफस्टाइल करता हूं, नहीं बताना, आपको शुरुआत में ये बताना है कि मैं एलिमेंट वेलनेस के नाम से एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी का आयुर्वेदिक ब्रांड है, हर्बल प्रोडक्ट है। अभी कोरोना के दौरान बहुत बड़ा डॉक्टर और मेडिकल मार्केट इस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है और हम लोग अभी इसकी सप्लाई का काम चालू किए हैं और इसमें बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगर आप को भी हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी प्रकार का इश्यू है, यदि किसी का इम्यूनिटी वीक है, यदि किसी को कोरोना किससे संबंधित प्रॉब्लम है, कोरोना के नाम से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और यदि किसी भी प्रकार का हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है, खांसी की सिरप से लेकर कैंसर तक का प्रोडक्ट हमारे पास, कौन सा, खांसी की सिरप से लेकर के कैंसर की बीमारी तक का प्रोडक्ट हमारे पास है। और हमारे प्रोडक्ट को
यूज करने से 3 महीने के अंदर में अगर आप कोई अंग्रेजी दवाई खा रहे हो तो उसके ऊपर डिपेंडेबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है और अपना प्रोडक्ट से ही आपको इतना रिलीफ हो जाता है कि आपको अंग्रेजी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके के डायलॉग से यदि आप इंट्रो दोगे, अपॉइंटमेंट लोगे, अगर इंट्रोडक्शन लोगे तो लोग आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, आपको रेस्पेक्ट के साथ में आपको आपके बिजनेस को सुनने की समझने की कोशिश करेंगे। और यदि वही पुराना घिसा पीटा तरीका यदि इस्तेमाल करेंगे अगर अपन लोग जो 20 साल से करते आ रहे हैं तो हमें उतने ही ऑब्जेक्शन झेलने पड़ेंगे जितने अभी तक झेलते आए। इसीलिए हमारा लेवल जो है वो 6 साल लग जाएगा, हमको लेवल हासिल करने में 7 साल लग जाएगा। तो पहली मुलाकात में ही मोहब्बत हो जानी चाहिए सामने वाले को आपकी कंपनी से, आपसे, आपके प्रोडक्ट से या आपके काम करने के तरीके से या आपके डायलॉग से। पहली मुलाकात में जब मोहब्बत हो जाएगी तो काम चालू। लेकिन मोहब्बत होने में अगर 2-3 बार 4 बार 5 बार फॉलो अप करना पड़ेगा तो और कुछ नहीं नुकसान है, जो 2 साल में मिलने वाला है वो 5 साल में मिले। तो आपको कितने में चाहिए? आपको 2 साल में चाहिए। अगर 2 साल में चाहिए तो इंट्रोडक्शन यानी अपना जो अपॉइंटमेंट लेने का जो तरीका है इसमें थोड़ा सा बदलाव लाओ। आप प्रीमियम क्वालिटी के आयुर्वेदिक हर्बल ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर हो, एलिमेंट वेलनेस भारत का नंबर 1 ब्रांड है, चिल्ला चिल्ला के आप हर प्लान में बोल रहे हो, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन में ऐसे ही देता हूँ कि भाई मैं तो सप्लायर हूँ एक आयुर्वेदिक हर्बल ब्रांड। आज ही मेरा एक बहुत बड़ा करोड़पति दोस्त है, उसने मेरे को आज मेरी बात हुई, उसने नैनीताल में एक रिसोर्ट लिया है 2.25 करोड़ रुपए का, रायपुर में रहता है। तो उससे आज मेरी फोन पे बात हुई, संजय आजकल क्या काम कर रहे हो? मैंने बोला भैया वो आपको एक बार बताया था ना वो बहुत बड़ा आयुर्वेदिक हर्बल ब्रांड है मेरे पास, एलिमेंट वाला, आयुष मंत्रालय वाला। हाँ, भैया उसी ब्रांड में ना धूम मचा रखी है मार्केट के अंदर में, कोरोना के दौरान इतना पैसा कमाया रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, सारा डॉक्टर मेडिकल मार्केट में सप्लाई दे रहे हैं, हर हफ्ता एक BMW ऑडी मर्सिडीज कोई को लीडर ले रहा है, कोई को डिस्ट्रीब्यूटर ले रहा है। अरे भैया ऐसा बिजनेस यार, तुमने तो यार हमको ढंग से बताया नहीं था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका शुरुआत का जो अपॉइंटमेंट लेने का इनडायरेक्ट वे में आप इस तरीके से सामने वाले के दिमाग में अपना बात को डालो कि सामने वाला आपकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाए कि यार ये तो वाकई बड़ा धंधा कर रहा है। और मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलता हूँ भैया, घर में बैठा हूँ तो भी महीने का 2-3 लाख रुपया, महीने का 2-2.5 लाख रुपया आ रहा है, महीने का 30-40 हजार रुपया। अरे भाई मेरा 2 लाख आ रहा है, आपका जो 30-40 हजार है ना महीने का, STC लीडर से बात कर रहा हूँ, JTC लीडर से बात कर रहा हूँ, मैं DTC लीडर से बात कर रहा हूँ, अभी मैं TC लीडर से बात कर रहा हूँ। TC लीडर्स, आपका जो ये 20-30 हजार रुपया महीना है ना, हमारे 2 लाख से ज्यादा अच्छा है। आप भी उसको 2 लाख की तरह बताइए कि भैया घर में अभी बैठे बैठे महीने का 20-30 हजार 40 हजार रुपया आ रहा है और साल भर के अंदर अभी अपन 2 लाख रुपये महीना पे पहुंचने वाले। जब ये एटीट्यूड के साथ आप बात करोगे, और भले ही चाहिए 1 रुपए का माल आप किसी डॉक्टर को नहीं बेचो, मेडिकल मार्केट को नहीं बेचो, मैं बेच रहा हूँ ना, मेरे को बेच दीजिए ना, आप सीधा सीधा बोलिए ना, पूरा मेडिकल मार्केट और डॉक्टर मार्केट में सप्लाई दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, जबरदस्त चल रहा है, एक बार घुसने तो दो उसको, अंदर आने तो दो, उसके बाद वो वही करेगा जो हम चाहेंगे, फिर वो टीम भी बनाएगा, लोगों को जोड़ेगा भी, घर घर भी जाएगा, गली गली भी घूमेगा, सब वो करेगा जो आप करते हो मैं करता हूं। लेकिन पहला इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वो अभी तक हमारी बजाते हैं, आज से हम उनकी बजाते हैं। तो अपना पहला डायलॉग इतना पावरफुल तरीके से आपको मार्केट को पेश करना है कि सामने वाले बंदे आपको सीरियस लेने लग जाए, और जब आपको सीरियस लेंगे धीरे धीरे आपके प्लान को भी सीरियस लेंगे। देखिए रिटेल और रिपर्चेज है ना, रिटेल और रिपर्चेज कोई जादू की पुड़िया नहीं, वो एटीट्यूड है, आपका एटीट्यूड और आपका बात करने का तरीका ही बाजार में रिटेल लेके आए, रिपर्चेज लेके आएगा, आपका एटीट्यूड से ही रिपर्चेज बिल्ड। तो देखते हैं आगे, रिटेल और रिपर्चेज। रिपर्चेज एंड रिटेल आज से करीब करीब 2-2.5 साल 3 साल पहले की बात बता दूं, मुझे भी कोई नॉलेज नहीं था, मैं भी आपके जैसा ही था, मुझे रिटेल और रिपर्चेज में कोई इंटरेस्ट भी नहीं और मुझे बेचना पसंद भी नहीं। मैं बोलता था मैं बेचूंगा नहीं, मैं टीम बनाऊंगा, मैं लोगों को जोड़ूंगा, लेकिन मुझे पता चला कि एलिमेंट के प्रोडक्ट में जोड़ने से ज्यादा तो बेचने वाला कमाता शुरुआत में, और शुरुआत में मुझे मार्केट में यदि सर्विस सर्वाइव करना है, देखिए शुरुआत में ही प्रॉब्लम है, NTC बनने के बाद आपको 1 रुपए का प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ता, RTC बनने के बाद भी नहीं बेचना पड़ता, लेकिन शुरुआत में आप कुछ दिन इस प्रोडक्ट इस बिजनेस में रिटेल मार्केट को समझें। रिटेलिंग यदि हम नहीं सीखेंगे, अगर हम कुछ प्रोडक्ट कुछ लोगों को नहीं देंगे तो प्रोडक्ट के ऊपर हमारा बिलीव नहीं आएगा, विश्वास ही नहीं आएगा, चाहे हम अपना खुद यूज करें अपने घर में
चाहे हम कुछ लोगों को इस्तेमाल करा दे, हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, जो भी आपकी लिस्ट में जो प्रोस्पेक्ट है आपके, उनको आप यूज करा दीजिए। जब हम खुद यूज करेंगे और लोगों को यूज कराएंगे तो आपका बिलीव डेवलप होगा। जब बिलीव आएगा तो ऑटोमेटिकली रिटेलिंग बढ़ेगी। तो रिटेल करने का जो एटीट्यूड है ना, वो जब तक आपका बिलीव लेवल आपके बिजनेस के प्रति और आपका प्रोडक्ट के प्रति आपका स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक खेल बनने वाला नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो स्किल आपको डेवलप करनी है। नंबर वन, हेल्थ काउंसलिंग स्किल। हेल्थ काउंसलिंग, इसको मैं स्किल का नाम दूंगा। दो स्किल अपने को डेवलप करना, हेल्थ काउंसलिंग और दूसरा प्रोडक्ट काउंसलिंग। क्योंकि देखिए, हम लोग आयुष प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट पे हम लोग काम करते हैं, यही प्रोडक्ट ही हमारा प्राउड है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिंदगी भर बिकेगा, हर हाल में बिकेगा, हर काल में बिकेगा। मालूम है ना आपको, आयुर्वेदिक मेडिसिन हर हाल में बिकेगी, हर काल में बिकेगी। और ये बात आप गांठ बांधो, आटा नेटवर्क मार्केटिंग में बेच के पैसा नहीं कमाओगे, अपने एटीट्यूड को बदल दीजिए। मैंने 20 सालों से बहुत सारी कंपनियों को नेटवर्क मार्केटिंग है, तो आटा, चावल, दाल, सब्जियां, आप भी चाहते हो ना कि इस कंपनी में ये सब आ जाए। बहुत सारी कंपनियां ले आई, लेकिन वो लेवल पे नहीं पहुंची जिस लेवल पे माई लाइफ स्टाइल कंपनी पहुंची है। सबका डब्बा गोल हो गया, आटा, चावल, दाल, घी, तेल, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू उतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना हेल्थ प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, हेल्थ प्रोडक्ट एक कंपल्सरी नीड है जिसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो, लेकिन आटा चावल दाल लाओगे तो मार्केट में 50 ऑप्शन है और लोगों की इतनी बड़ी नीड है वो कि लोग, और हमारा इंडिया का 95% लोग जो है बहुत हाई फाई पैसे वाले लोग नहीं है कि आटा चावल दाल में ज्यादा पैसा खर्च कर सके या अपनी आदत को बदल सके। उनके सामने घर के अड़ोस पड़ोस में ऑप्शन बहुत ज्यादा है। तो हमारा जो हेल्थ प्रोडक्ट है ये जो है कंपल्सरी नीड है, बनेगी लोगों की। बस आपको थोड़े से अपना स्किल बढ़ाना है। स्किल क्या बढ़ानी है, आप यदि, मैं पहले एक चीज और बता दूं, आप यदि बदलाव के लिए तैयार नहीं होना, बदलने के लिए तैयार नहीं होना, तो समझ लो कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज नहीं आने। अगर आज मेरे पास क्रेटा गाड़ी है, मैं लगभग 4-5 साल से मेंटेन कर रहा हूँ, 5 साल, और लोन फ्री गाड़ी है, किस्त विस्त कुछ नहीं, अब खत्म हो गया सब चीज। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी क्रेटा बेचने वाला हूँ, MG हेक्टर देख के आया था, लेकिन अभी अपने को नहीं जमा, अभी और ऑप्शन देख रहे हैं, BMW ऑडी में जाने वाले हैं, बहुत जल्दी जाएंगे उसमें। तो बताने का मतलब मेरा यही है कि यदि आप स्किल डेवलप अपग्रेड नहीं करोगे तो आपका बड़ा सपना पूरा नहीं होने वाला है। और ये बिजनेस आपका बड़ा सपना पूरा करेगा। आपको मैं 13-14 साल पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ दो स्किल पे थोड़ा सा काम कर लीजिए, थोड़ा सा यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से अपना नॉलेज बढ़ा लीजिए, स्किल बढ़ा लीजिए। आज मैं उसी दो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, पहला हेल्थ काउंसलिंग स्किल और दूसरा प्रोडक्ट काउंसलिंग स्किल, यानी हेल्थ नॉलेज और प्रोडक्ट नॉलेज। ये दो चीज पे यदि आपने अपने स्किल को अगर बढ़ा लिया तो आपकी रिटेलिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब हेल्थ काउंसलिंग कैसे होगी, आज दो टॉपिक पे अपन बात करते हैं। हेल्थ काउंसलिंग कैसे, अगर आपको अपना रिटेल बढ़ाना है तो मैं सबसे पहले TC एंड अबाउट लीडर से बात करता हूँ। TC एंड अबाउट जितने भी लीडर्स है, जो आप करोगे ना वही आपका डाउनलाइन करेगा। दोस्तों, अगर आप बोलोगे मेरा डाउनलाइन करे और मैं तो ड्रीम बेचूंगा, सपने बेचूंगा, नहीं चलेगा काम। जो काउंसलिंग आप अपने डाउनलाइन को दोगे वही काउंसलिंग वो फील्ड में बताएगा। वो बोलेगा अगर आप ड्रीम की काउंसलिंग दोगे तो वो भी ड्रीम जाके दिखाएगा। एक पेशेंट को जाके लोग ड्रीम दिखा देते हैं, अरे भैया पेशेंट को ड्रीम नहीं दिखाना है, पेशेंट को प्रोडक्ट दिखाना है। तो यहां पर ऊपर से नीचे सभी लीडर से मैं बोल रहा हूं कि आपकी अपनी हेल्थ काउंसलिंग का नॉलेज बढ़ा लीजिए। हेल्थ काउंसलिंग बोले तो क्या, क्योंकि चूंकि यार हमारे जो कंपनी का मालिक है प्रवीण चंदन साहब, इन्होंने हमारे सामने ऐसे प्रोडक्ट ला के रख दिए हैं। अब यहाँ तीसरे डब्बे का प्लान तो हमारे पास है नहीं कि हम लोग कॉन्सेप्ट बेच के 2,10,000 रुपये हफ्ता कमा लेंगे, 5,000 लोगों को लेफ्ट में और 5,000 लोगों को राइट में लाएंगे ना, तब सीलिंग लगेगा। और मैं बोलता हूँ 300 लोग लेफ्ट लेफ्ट और 300 लोग राइट आएंगे तो भी सीलिंग लग सकती है। उसके लिए आपका हेल्थ काउंसलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हेल्थ काउंसलिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए करना क्या, कुछ वीडियो देख, हमें अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना, ज्यादा नहीं, थोड़ा नॉलेज। यह है कि हम बीमार क्यों पड़ते,
क्योंकि हमारे प्रोडक्ट बीमारी ठीक करने वाले प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हमारे पास शानदार क्वालिटी फुल प्रोडक्ट है जो हेल्थ इश्यूज के ऊपर हम लोग काम करते हैं। आज हमारा सबसे बड़ा मोटो यह है कि लोगों को अगर किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यू है तो उसको सॉल्व करने में हमारा प्रोडक्ट आज की डेट में नंबर वन पोजीशन पे आ गया। खाली प्लान में बताने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, करके दिखाना पड़ेगा। कैसे? हेल्थ काउंसलिंग में ये टॉपिक आता है। तो सबसे पहले आपको हेल्थ काउंसलिंग करनी है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में नया जुड़ने वाला हर व्यक्ति प्रोडक्ट बेचे तो वो मार कहां खाएगा मालूम? जब वो प्रोडक्ट बेचने किसी के घर जाएगा और सामने वाले के घर में एक बंदा यदि साइंस कॉलेज से पढ़ा हुआ है, बायो पढ़ा हुआ है, अगर उसको थोड़ा सा भी मेडिकल साइंस का नॉलेज है, और वो क्या करेगा, अपना मेडिकल लेबोरेटरी का रिपोर्ट ला करके आपके सामने रख देगा, आपके लीडर के सामने, और आप उस रिपोर्ट को ढंग से देख ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको तो वो नॉलेज ही नहीं है, आप उसकी रिपोर्ट को पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, और वो कार्डियक रिपोर्ट लेके आ गया वेल हार्ट प्रोडक्ट वाली, अगर वो लीवर का रिपोर्ट लेके आ गया, वो किडनी का रिपोर्ट लेके आ गया, वो कोई अर्थराइटिस का प्रॉब्लम का रिपोर्ट लेके आ गया, और आपको बोलता है डॉक्टर साहब, आपको तो वो डॉक्टर समझेगा, और आप बोलेगा सर एक थोड़ा सा रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप रिपोर्ट को देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे अरे वेल हार्ट ले लो, तो उसको क्या लगेगा मालूम है? आप तो बेचने की कोशिश कर रहे हो, आपको तो सर कुछ नॉलेज ही नहीं है, आप तो सीधा बेचने की कोशिश कर रहे हो। यदि रिटेल बढ़ाना है तो हेल्थ नॉलेज बढ़ाना, आप डॉक्टर तो नहीं हो लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं बनना, डॉक्टर जैसा नॉलेज आपके पास भी आ जाएगा। उसके लिए YouTube आपकी बहुत हेल्प करती है। YouTube में जो सब्जेक्ट पर वीडियो निकालोगे वो सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा। जैसे मैं आयुर्वेदा के ऊपर एक वीडियो बहुत लाइक करता हूँ यूट्यूब में, राजीव दीक्षित साहब, राजीव दीक्षित जी, स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी, जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा है, क्योंकि राजीव दीक्षित जी ने आयुर्वेदा के ऊपर जितनी अच्छी बातें हमको बताई है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, गैस और एसिडिटी क्यों बनता है, पेट क्यों खराब होता है और लीवर क्यों खराब होता है, कैंसर क्यों होता है, जितने भी बीमारियां हमारे शरीर में क्यों आती है, इसके ऊपर राजीव दीक्षित जी ने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो उनके बने पड़े हुए हैं, आप उनके वीडियो सुनिए। आज से 2 साल पहले मैंने सबसे पहले राजीव दीक्षित जी का वीडियो निकाला और उनके वीडियो में मैंने क्या पढ़ा देखा, उनके वीडियो में मैंने देखा कि जब हम खाना खाते हैं पेट में सबसे पहले खाना जाता है, कहाँ जाता है, उसमें कैसे हम लोग जो है उसका वो करते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें पानी डालते हैं और कैसे वो गैस और एसिडिटी में तब्दील हो जाता है, हमको पेट में गैस क्यों बनती है, एसिडिटी क्यों बनती है, और वो एसिडिटी धीरे धीरे हमारे पूरे बॉडी के सेल को कैसे डैमेज करती है, ये सारा जो नॉलेज है वो हम बताते हैं। तो हमारा 95 भी बिक जाता है, लीवर कैप्सूल भी बिक जाता है, इम्यूनो 3+ भी बिक जाता है, हमारे सारे प्रोडक्ट धीरे धीरे बिकने जाता है, बेस पता रहे। जब तक आपको हेल्थ काउंसलिंग नहीं से सीखोगे आप, रिटेलिंग आपकी बढ़ने वाली नहीं है। तो कुछ लीडर क्या करते हैं, कुछ लीडर गलती क्या करते हैं, कुछ लीडर ये सीखने के, क्योंकि लीडर अब सीखने के लिए तैयार नहीं, लीडर बोलता है अब अपन तो लीडर बन गया है, अपन तो तुम्हारा लीडर है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख अपने को तो आता है, अपने पास तो बड़ा गाड़ी आ गया, आप सीखने की क्या जरूरत है भैया, डायमंड जाना है, 5 साल में जाना है, समझ रहे हैं, तो सीखना तो पड़ेगा। लीडर वही होता है जो मरते दम तक सीखने को तैयार। तो आपको थोड़ा सा हेल्थ काउंसलिंग में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, सभी को बोल ऊपर से नीचे तक बॉटम। हेल्थ काउंसलिंग के लिए कुछ अच्छे वीडियो आपको देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, राजीव दीक्षित जी के वीडियो देखिए, वो बताते हैं कि पानी पीने के, आपको खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए उसका कारण बताते हैं, आपको भी मालूम रहना चाहिए। जब आप किसी पेशेंट के घर में बैठोगे, किसी के पास भी बैठोगे, भले ही आपको कुछ नहीं पता हो, रिपोर्ट आपके सामने लग गया, आपने रिपोर्ट देखा, ऐसे ऐसे निगाहों में देखा, उसके बाद आपने तुरंत एक बात उनसे पूछा, सर आपको पेट में गैस तो नहीं बनता है, पेट साफ होता है आपका ठीक से? खाना खाने के बाद वो बोलता है थोड़ा सा गैस्ट्रिक तो रहता है, खाना खाने के बाद आप तुरंत पानी पीते हो, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, क्योंकि कारण बताओ। उस समय राजीव दीक्षित जी का 2 लाइन प्रवचन उसको बोल, उससे क्या होगा, जब 2 लाइन 3 लाइन 5 लाइन जब आप बताओगे कि खाना खाने के बाद में आप तुरंत पानी पीते हो तो अग्नाशय में जो अग्नि चलती है वो अग्नि आपकी बुझ जाती है, पानी ठंडा पानी ऊपर पी लिया ना खाने के ऊपर, तो अग्नि आपका जो खाना है ना आधा घंटा पचता है, मतलब खाना उस पेट में अग्नि चलती है और खाना पाचन होता है, और पाचन के दौरान आपने ऊपर पानी डाल दिया तो अग्नि बुझ जाएगी, और अग्नि बुझेगी तो आपका खाना सड़ जाएगा, और सड़ा हुआ खाना इंटेस्टाइन के अंदर, जो आपकी छोटी आंत और जो बड़ी आंत होती है वो इंटेस्टाइन के अंदर फंसा रहेगा, और उससे आपको गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, ब्लड नहीं बनेगा बॉडी में, ब्लड बनना कम हो जाएगा, किडनी के अंदर यूरिक एसिड चालू हो जाएगा, बॉडी में एसिड बढ़ गया तो किडनी में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा,
तो ये सारी बातों का धीरे धीरे आपको अपना नॉलेज बढ़ा। आपको ये समझना है कि बॉडी में ऑर्गन्स कितने होते हैं, हार्ट होता है, लीवर होता है, किडनी होता है, किडनी में भी क्या क्या होते हैं, और उसके बाद आपका कमर में कौन सी बीमारी होती है, आर्थराइटिस कौन सी, मतलब बीमारियों के नाम तो पहले आपको थोड़े समझने ही पड़ेगा, ठीक है। पहला नंबर बीमारियों का नाम पता चला, शरीर के अंगों का नाम आपको पता चलना चाहिए, नंबर वन अंगों का नाम, के बाद में बीमारियों का नाम आपको पता चलना चाहिए। बीमारियों का नाम बोले तो जैसे यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बढ़ने से आर्थराइटिस प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो जितना ज्यादा नॉलेज आप ये लोगे बीमारियां क्यों होती है, जरूरी नहीं है कि आप राजीव दीक्षित जी का या यूट्यूब के दूसरे वीडियो देखें, आपको हमारे जो प्रोडक्ट है, लीवर कैप्सूल का जो प्रोडक्ट है, इम्यूनो 3 प्लस का प्रोडक्ट है, डाइबर लाइफ का जो प्रोडक्ट है, सभी प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले कंपनी ने हमको ये भी बताया है कि ये बीमारी आती क्यों है। अगर उस चीज को आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो आप एक बहुत अच्छी काउंसलिंग अपने प्रोस्पेक्ट को नहीं दे पाओ, और जब तक आप एक बहुत अच्छी काउंसलिंग नहीं दोगे आपका प्रोडक्ट रिटेल नहीं होगा। रिटेल बढ़ाना है तो काउंसलिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, और सबसे पहले पिछली मीटिंग में आपको सिखाया गया था पहनावा, आपका ड्रेस सेंस, या कोट वगैरह नहीं भी होना तो हाफ सदरी चलेगा, हाफ सदरी पहनिए, अच्छी पैंट पहनिए, बेल्ट लगाइए, अच्छा जो है शर्ट पहनिए, और हमेशा लाइट कलर का शर्ट पहनिए, डार्क कलर की पैंट पहनिए। आप डॉक्टर नहीं हो लेकिन सामने वाले को लगना चाहिए कि यार बंदा डॉक्टर की तरह आता है मार्केट के अंदर, समझ रहे हो, आप थोड़ा सा डॉक्टर की तरह जाइए बंद करके बैठ करके। और जब हेल्थ देखो, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ, टीसी लेवल के लीडर को बोल रहा हूँ, एक टीसी लीडर, एटीसी लीडर, जेटीसी लीडर, अपना ये डीटीसी लीडर, आपका ड्रेस सेंस अच्छा नहीं होगा और आप हेल्थ काउंसलिंग करने जाओगे तो बहुत गड़बड़ होगी। और आपको एक चीज और बताऊ, नए लीडरों, नए डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपलाइन का परिचय कैसे देंगे, एक पेशेंट के घर में अपलाइन को लेके जा रहे हैं, समझना। अभी आपको एक बहुत काम की बात बताने वाला हूं, एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपलाइन को, डीटीसी लीडर को, एसटीसी लीडर को पेशेंट के घर लेके जाता है, सर ये पेशेंट है, इनको प्रॉब्लम है और आप थोड़ा काउंसलिंग कर दीजिए, और वहां जाकर के परिचय क्या देता है मालूम, परिचय देता है कि हमारे ये डॉक्टर, सॉरी हमारे ये जो साहब है ये बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर है, और बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे, और बहुत बढ़िया इंश्योरेंस एडवाइजर भी है, और आज आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, क्या होगा सामने वाले प्रभाव क्या पड़ेगा। अरे यार एक डॉक्टर, सॉरी एक प्रॉपर्टी डीलर और एक इंश्योरेंस एजेंट बहुत अच्छा प्रोडक्ट के बारे में काउंसलिंग दे सकता है, पेशेंट सेटिस्फाइड होगा आपसे, नहीं होगा। आप किसी डॉक्टर के सामने भी इंट्रोडक्शन जाके देते हो, किसी डॉक्टर के सामने प्रोडक्ट का अपने अपलाइन को लेके और अपलाइन का परिचय देते हो कि हमारा अपलाइन तो प्रॉपर्टी डीलर है, हमारा अपलाइन तो इंश्योरेंस एडवाइजर है, तो क्या डॉक्टर आपके लीडर को ध्यान से सुनेगा, गलत इंट्रोडक्शन। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन सही दे, इंट्रोडक्शन में ज्यादा मत दीजिए, सर ये हमारे बहुत अच्छी हेल्थ की काउंसलिंग करते हैं, हमारे बहुत अच्छे आयुर्वेदिक प्रीमियम ब्रांड है, उसमें हमारे कंपनी के ये ट्रेनर है, हमारे ये साहब हैं, ये बहुत अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के हमारे ट्रेनर है जो आज आए हुए हैं, दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, या फिर आपके शहर से दूसरे शहर में रहते हैं, आज आए हुए, तो सर मैं सोचा आपसे मिलवा दूं, सर थोड़ा सा इनके माध्यम से प्रोडक्ट आप नॉलेज ले लीजिए, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना उनका ओरिजिनल परिचय मत दीजिए, ओरिजिनल परिचय देगा तो हेल्थ प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, वो प्रॉपर्टी थोड़ी बेचनी थी वहां पर जो प्रॉपर्टी डीलर का परिचय दे रहे हो, इंश्योरेंस थोड़ी बिकवाना है जो इंश्योरेंस एजेंट का परिचय दे रहे हो, नहीं दे रहे मत दीजिए। ये जो ड्रीम सपने दिखाने वाला जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो इंट्रोडक्शन हेल्थ काउंसलिंग में यदि आपने दिया तो सपने तो बिक जाएंगे लेकिन ये नहीं बिकेगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, और प्रोडक्ट नहीं बिकाना तो सपना भी नहीं बिकेगा। तो मेरा टीम में मैं तो एक ही चीज लेके चला हूं कि इंट्रोडक्शन सही जाएगा, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, वो उसी टाइम इंट्रोडक्शन के टाइम ही सामने वाला ये माइंड में कब कर लेता है कि इसको सुनना है या नहीं सुनना है, या इसको 5 मिनट सुनना है या इसको आधा घंटा सुनना है, तो आपको ऐसा इंट्रोडक्शन दीजिए कि सामने वाला आधा घंटे तक आपको उठने न दे, आपकी सारी चीजों को सुने, ठीक है। तो हेल्थ काउंसलिंग में इंट्रोडक्शन वगैरह सब चीज आ जाती है, वीडियो आ जाते हैं, हेल्थ काउंसलिंग में नंबर वन आपको हेल्थ के बारे में नॉलेज बढ़ाना है, हेल्थ नॉलेज को बढ़ाना है, नंबर वन हेल्थ नॉलेज बढ़ाइए। इसके लिए यूट्यूब का वीडियो देखिए बहुत ज्यादा हेल्थ के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, राजीव दीक्षित जी से देख लेंगे तो आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अपना जो कंपनी के जितने भी ऑफिशियल प्रोडक्ट है,
हमारे जो ऑफिशियल वीडियो है हमारी कंपनी के, उसमें देखिए कि बीमारी क्यों होती है। सबसे पहले बीमारी के रीजंस पढ़िए। देखिए यदि आपको सर कमाना है ना, तो थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा, बड़ा पैसा कमाना है, थोड़ा मोड़ा नहीं कमाना है। और आज तो खाली आप 10 लोगों को लीड कर रहे हो सकता है कल 100 लोगों को लीड करो, कल को 1000 लोगों को लीड करो। और हर डाउनलाइन लीडर सबसे अच्छा टॉप अपलाइन जो होता है ना उसी को खोजता है, और वो अपलाइन जो है ना आपकी प्रॉब्लम अगर आपकी सॉल्व कर दोगे ना तो काम हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया बिजनेस बन जाएगा। लेकिन आपका जो आपको यदि जो है अपना नॉलेज अपग्रेड करोगे, बड़े लीडर जितने भी हैं उनसे मैं बात करूँ, अपना नॉलेज अपग्रेड करो तो आपकी टीम बहुत आगे जाएगी, और टीम आगे जाएगी तभी आप आगे जाओ। तो यहाँ पर अपने नॉलेज को अपन बढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ों पर हेल्थ काउंसलिंग हमको जबरदस्त तरीके से करनी है। किसी भी पेशेंट के सामने हम नेटवर्कर नहीं लगना चाहिए, किसी भी पेशेंट के घर में, क्योंकि हमारा बिजनेस बता दूं 80% पेशेंट के ऊपर चलता है आपके बिजनेस, मेरा बिजनेस 80% पेशेंट। पेशेंट वो नहीं जो आईसीयू में, पेशेंट के लिए हम लोग हॉस्पिटल में जाके नहीं खड़े होते, हर गली में, हर गांव में, हर घर में, सुबह और शाम, दोपहर, हर टाइम हमको पेशेंट ही दिखता है। हर आदमी के अंदर हर आदमी पेशेंट है, मेरा मकान मालिक पेशेंट है, मेरा ऊपर वाला पेशेंट है, मेरे फ्लैट में मेरे ऊपर वाला पेशेंट है, मेरे नीचे वाला पेशेंट है, मेरे आजू वाला पेशेंट है, मेरे बाजू वाला पेशेंट है, सब पेशेंट। मैं तो हर आदमी के अंदर मुझे पेशेंट दिखता है, और जब पेशेंट दिखेगा तो रिटेल ऑटोमेटिक दबा दबा के कोई, लेकिन आपको वहां पर तो ड्रीम दिखता है, सबसे पहले दिन ड्रीम चालू हो जाता है। अरे उसको थोड़े दिन बाद कर लेना ना, पहले गाड़ी को गियर में तो डालो, फर्स्ट गियर में नहीं डालोगे सीधा छठवें गियर में डाल दोगे, 2,10,000 रुपया हफ्ता उसका बिचारेगा, किसको बताना है 2,10,000 हफ्ता। मैं बताता हूँ जो जरूरतमंद है, जिसकी बेचारा एकदम स्वस्थ दिख रहा है, 10,000 रुपया महीने की इनकम है, 1,00,000 रुपए का उसको सपना दिखा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। जो पैसे से बीमार है ना, पैसे से बीमार है ना, उसको सपना दिखाओ, और जो शरीर से बीमार है ना उसको सपना नहीं दिखाना है, उसको ये बताना है, हेल्थ काउंसलिंग देना है अच्छे से, और वहां पर आपको एक डॉक्टर की तरह ट्रीट होना है थोड़ी देर के लिए। भले आप एनटीसी क्यों ना हो, भले आप आरटीसी क्यों ना हो, आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, मैं आरटीसी हूँ एनटीसी हूँ, भूल जाइए। अगर आरटीसी एनटीसी बनकर अगर अपने डाउनलाइन के साथ काउंसलिंग करने जाओगे ना तो गेम नहीं बनने वाला। वहां पर अपने को एक बढ़िया हेल्थ काउंसलर बन के जाना है, आप एक अच्छे कोच बन के जाइए, आप एलिमेंट वेलनेस ब्रांड के एक अच्छे कोच है, आप एक अच्छी काउंसलिंग देते हैं। आप एक तरीके से वो सामने वाला पूछेगा, सर आप डॉक्टर हैं क्या, सामने वाला बहुत सारी बातें पूछेगा जब उस टाइम आप जाओगे, तो उसको आप वहां पर बता सकते हो कि मैं काउंसलर हूँ। आप ऐसा शब्द बोल दीजिए जो उसको समझ में ना आए, मैं एक अच्छा काउंसलर हूँ, या मैं एक आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट का मैंने ट्रेनिंग लिया है, मैं बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के अंडर में डायरेक्ट काम करता हूँ, मैं आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट की एजेंसी है, मैं डॉक्टर मेडिकल मार्केट को सप्लाई देता हूँ, ऐसा करके आपको यह भी नहीं बोलना है कि मैं डॉक्टर हूँ, और यह भी नहीं बोलना है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आपको दोनों तरीके से बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आप लेके चलेंगे, और हेल्थ काउंसलिंग का जो टॉपिक है इसको यूट्यूब से बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना है, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है यूट्यूब से सीखा है, और मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जो मुझे हेल्थ काउंसलिंग बहुत अच्छे सिखा पाए। और आपको बता दूं, कोई डॉक्टर भी आपको हेल्थ काउंसलिंग, आयुर्वेदा की हेल्थ काउंसलिंग बहुत अच्छी नहीं सिखा पाए। वो डॉक्टर जो होता है ना वो भी टेक्निकल भाषा में अपना क्या क्या लपड़ चपड़ बोलेगा अपने को समझ में नहीं आएगा, अपने ऊपर से निकल जाएगा। तो राजीव दीक्षित जी का मैंने नाम इसलिए लिया कि वो लोग बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल शब्दों में हमको देसी भाषा में देसी बातें सिखा देते हैं, और एक नेटवर्कर को देसी भाषा में समझना वाला चाहिए, और देसी भाषा में वो समझना चाहता है, टेक्निकल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अगर आज आप कुछ लोग डॉक्टर लोग भी मेरी ट्रेनिंग सुन रहे हो ना, तो अगर आप चाहते हो कि आपका नेटवर्क बड़ा हो जाए, और आप नेटवर्क में बहुत बड़ा अगर कुछ करना चाहते हो, तो आपके नेटवर्क में आपके जैसे डॉक्टर लोग नहीं आने वाले हैं, बहुत सारे अनपढ़ टाइप के लोग भी आ जाएंगे, मजदूर टाइप के लोग भी आ जाएंगे, गरीब लोग भी आ जाएंगे, जिनको जिंदगी में कभी हेल्थ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो आप अपनी बात को इतने सरल तरीके से सीधी भाषा में और देसी भाषा में राजीव दीक्षित की तरह समझाइए कि सामने वाला व्यक्ति जो है ना अनपढ़ आदमी को भी समझ में आ जाए कि यार ये लीवर कैप्सूल जो है वो हमको क्यों खाना चाहिए, हमें यूरी प्लस क्यों लेना चाहिए, एकदम देसी भाषा में सरल से समझ में। और आपको बताऊं, मेरा तो प्लान देने का जो तरीका है ना वही सब कुछ कर देता है, उसी से हमारा प्रोडक्ट बिक जाता है, उसी से सारा खेल हो जाता है। तो आगे अपन चलते हैं प्रोडक्ट काउंसलिंग के ऊपर, पहला पार्ट हो गया हमारा हेल्थ काउंसलिंग, और दूसरा पार्ट जो है हमारा वो चलेगा भी प्रोडक्ट काउंसलिंग। ये अपन टॉपिक लेके चल रहे हैं रिटेल और रीपर्चेज। तो नंबर टू अब टॉपिक क्या है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट काउंसलिंग। तो प्रोडक्ट काउंसलिंग के लिए प्रोडक्ट का नॉलेज हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर
मुझे बताते हुए कई बार शर्म भी आती है, कई बार हंसी भी आती है कि हम अप्लाई लोग, हम लीडर लोग अपना प्लान देने के लिए इतनी हड़बड़ी में रहते हैं, वन टू वन प्लान दे रहे और इतनी हड़बड़ी में रहते हैं वन टू वन में कि हम लोग प्लान में क्या बोलते हैं, मालूम 5 प्रोडक्ट दिखाते हैं और उसके बाद बोलते हैं आप बाकी अप्लाइंस समझ लें। बेचना क्या है उस टाइम, इमीडिएट आपको क्या बिकना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए ना। क्लोजिंग कैसे हो, जब तक प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं होगा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, प्रोडक्ट जब तक दिखाओगे नहीं प्रोडक्ट बिकेगा, और प्रोडक्ट अगर बिकना शुरू हो गया ना अपने आप टीम बनना चालू हो जाएगी। मेरा तो ये सिद्धांत है, अपने आप टीम बन रही है, जो प्रोडक्ट ले लिया ना वो मेरी टीम का हिस्सा आज नहीं तो कल बनेगा ही बनेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट काउंसलिंग में सबसे पहला कौन जाता है, प्रोडक्ट का नॉलेज। अब प्रोडक्ट का नॉलेज कैसे होगा, प्रोडक्ट का नॉलेज कैसे होगा, किताब पढ़ने से। मुझे तो नहीं लगता भैया किताब पढ़ने वाला आदमी कभी करोड़पति नहीं बना, मैंने आज तक देखा। जिसने किताबें जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी ना वो बिल गेट्स बन गया, जिसने किताबें नहीं पढ़ी वो धीरूभाई अंबानी बन गया। किताब पढ़ करके प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट का बैग अलग से किट बैग बनाना पड़ेगा, जो दिखता है वो बिकता है। आपको इस चीज को आप समझ लीजिए, अगर सपने बेचने हैं तो लिटरेचर बुक से काम चल जाएगा, किताब से काम चल जाएगा यदि सपने बेचने, और यदि प्रोडक्ट बेचना है रिटेल करना है तो माल आपके पास होना चाहिए, प्रोडक्ट का स्टॉक आपके पास होना चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं रखते, ये आईडी 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 का फंडा जब तक दिमाग में रहेगा ना प्रोडक्ट का स्टॉक रखो कोई नहीं, ये भी मत। तो ये आईडी वाईडी को, इसलिए मैं बोला तीसरे डब्बे का प्लान नहीं है भाई साहब, चौथे डब्बे का प्लान है, चेंज योर एटीट्यूड। चौथा डब्बा बोलता है कि हम लोग प्रोडक्ट बिजनेस में है, रियल प्रोडक्ट मार्केटिंग में है। रियल प्रोडक्ट मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट बिकेगा पहले और ड्रीम बिकेगा बाद में। पहले क्लोजिंग तो करो, बंदे को लाओ तो मैदान में, पहले युद्ध लड़ने के लिए उसको मैदान में लाओ तो सही, और वो युद्ध मैदान में आ गया एक बार शामिल हो गया उसके बाद तो हम उसे योद्धा बना देंगे, बाद में वो सब देखेगा, ड्रीम दिखाएंगे जो दिखाएंगे वो सब देख लेगा, लेकिन पहला मुलाकात में पहला प्रोडक्ट दिखेगा। तो जब मैं, अब प्रोडक्ट काउंसलिंग में क्या होता है मैं आपको पहले बता दूंगा, आपको बनानी है प्रोडक्ट काउंसलिंग। नंबर वन, प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कहाँ बिकेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको आटा चावल दाल तो बेचना नहीं है, धनिया मिर्ची तो बेचना नहीं है, यहाँ पर शैम्पू क्रीम पाउडर तो उतना ज्यादा हमारे पास अभी है नहीं, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का आया है अभी, तो हम क्या बेचेंगे, हमको तो लीवर सिरप बेचना है, हमको तो यूरिन प्लस बेचना है, हमको तो 95 बेचना है, हमको तो डिटॉक्स टैबलेट बेचना है, हमको तो पूरा हेल्थ प्रोडक्ट का 40 से 50 प्रोडक्ट का हमारे पास में पूरा स्टॉक है। तो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ जो मैं कर रहा हूँ भाई, मेरे को जो समझ में आता है वही मैं आज आपको बता रहा हूँ। मेरा कोई ट्रेनिंग जरूरी नहीं है कि आप सब लोगों के लिए काम करे, कुछ लोगों के लिए करेगा कुछ लोगों के लिए नहीं भी करेगा। मैं प्लान जब किसी को दिखाने बैठता हूँ तो भले 1 घंटा लग जाए लेकिन मैं पहले जब तक सारे प्रोडक्ट उसको दिखा नहीं देता तब तक मैं प्लान ही नहीं, पहली मुलाकात में तो मैं प्लान बताना जरूरी ही नहीं समझता दोस्तों। पहली मुलाकात जब मैं किसी के घर जाता हूँ तो पहली बात तो बिना प्रोडक्ट का बैग लिए घर में नहीं जाता, मेरे पास एक बैग एनी टाइम रहता है, जो ये स्टूडेंट लोग स्कूल में जाते टाइम एक बैग रखते हैं ना स्टूडेंट लोग, वैसा एक बढ़िया क्वालिटी का बैग मैं एनी टाइम अपने पास रखता हूं, और उस बैग में सभी प्रोडक्ट का एक एक पीस में रख। देखो रिटेल बढ़ने का कारण क्या, 2 साल में एनटीसी बनने का कारण क्या, और जो मैं करता हूं वो मेरी टीम की, जो अपलाइन करेगा वो डाउनलाइन करेगा। अब आप बोलोगे सर हमारा अपलाइन तो बात तो बताया नहीं हो तो बोलता है ऐसा ऐसा बात है, बात अलग है भैया, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, मेरी भी अपनी स्टोरी है। तो मेरा जो स्टोरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा स्टोरी ये बोलता है कि मैं फाइल लेकर नहीं जाता प्लान दिखाने, फाइल लेकर प्लान में तभी दिखाने जा सकता हूँ, लैपटॉप लेके प्लान दिखाने में तभी जा सकता हूँ जब किसी नेटवर्कर को प्लान दिखाने जा, किसी अनुभवी नेटवर्कर को, फील्ड वर्कर को, अनुभवी नेटवर्कर को जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में पहले से काम कर रहा है, वहां तो मैं जैसे दिखाऊंगा चले, लेकिन जब मैं किसी फर्स्ट टाइम फ्रेशर आदमी को, 95% जो हमारी लिस्ट है, भारत की 135 करोड़ जनता है उसका 95% लोगों को मैं जब प्लान देने जाता हूँ तो मैं प्लान नहीं दूंगा, मैं प्रोडक्ट दूंगा पहले।
और प्रोडक्ट के लिए मेरे पास मेरे बैग में लीवर सिरप से लेके, खांसी की सिरप से लेके, यूरिक प्लस से लेके, ब्लड प्यूरीफायर से लेके, सारा प्रोडक्ट, एक एक पीस का प्रोडक्ट मेरे पास मेरी बैग में होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट मेरी बैग में नहीं है, अगर कोई डाउनलाइन मुझे बोलता है कि मेरे पास सर 6 प्रोडक्ट लेके चलता है, मैं नहीं जाता, कंफ्यूज हो जाता हूँ वहीं पर। मैं बोला मेरा तो जाना ही बेकार हो गया तेरे साथ, इसलिए बेकार हो गया, मैं जाके क्लोजिंग ही नहीं मार पाऊंगा क्योंकि मेरे पास दोबारा फॉलो अप करने का टाइम नहीं है। एक बार में पहली बार जाऊंगा, क्लोजिंग मार के आऊंगा। मेरा पहली मुलाकात में भले ही वो आदमी मुझे ना मिले, भले ही वो मेरा ड्रीम ना खरीदे, लेकिन मेरा प्रोडक्ट जरूर खरीदना चाहिए। और प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब प्रोडक्ट दिखेगा। तो जो दिखता है वो बिकता है। तो जो बहुत सारे लोग आज जो गलती कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप लोग प्रोडक्ट स्टॉक रखना शुरू करिए। मैं बनिया मारवाड़ी आदमी हूं, आपको बता रहा हूं इस बात को, क्योंकि मारवाड़ी बनिया आदमी जो भी होता है वो दुकान अगर खोलता है ना, तो पहले दुकान में माल भरता है। जब तक दुकान में माल नहीं भरेगा ना, दुकान खुलती नहीं है, दुकान की शुरुआत ही नहीं होती। चाहे अपने पास पैसा नहीं भी है ना, तो वो लोन लेकर के दुकान में माल भरता है। मुझे आप ये बताओ, किसी भी रामदेव की दुकान में आप गए, पतंजलि की दुकान पे गया, आपने एक भी ऐसी दुकान देखी क्या जिस दुकान पे माल नहीं है और आप दंत कांति पेस्ट लेने गए हो? पहले किसी भी दुकान में आप आज तक गए हो, किसी दुकान वाले के पास गए, आपने बोला दंत कांति पेस्ट दे दीजिए, और दुकान वाला बोलता है आप ऑर्डर दे दीजिए, लिखवा दीजिए, मैं ला के आपको दे दूंगा। आप उस दुकान पे दोबारा जाना पसंद करो। पड़ोस में एक ऐसी दुकान खुली है पतंजलि की, जहां पर माल भरा हुआ, सब कुछ प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल है। किसकी दुकान पे ग्राहक ज्यादा आएंगे? जिसकी दुकान में स्टॉक नहीं है उसकी दुकान पे आएंगे, या जिसके पास स्टॉक नहीं है उसके पास? यदि आपको BMW चाहिए, ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, आपको ड्रीम पूरा करना है, सपने पूरे करने हैं, तो सबसे पहले स्टॉक, प्रोडक्ट का स्टॉक आपके पास है ही नहीं। प्रोडक्ट तो है नहीं दुकान में, दुकान खाली पड़ी। जब खाली दुकान में क्या बिकेगा बताओ? आप कागज से दिखाओगे, ये बुक से सर ये लीवर सिरप है, ये लीवर कैप्सूल है, तो वो बुक वाला ऑर्डर जो होता है ना, वो ऑर्डर 50% लोगों से मिल जाएगा, 50% लोगों से नहीं मिलेगा। तो आपकी क्लोजिंग 100% नहीं होगी, 50% होगी, हो सकता है 30% होगी, 20% होगी, और आपका क्लोजिंग का रेशियो 95% होना चाहिए। अगर सामने वाले की जेब में पैसे भी नहीं भी है ना, तो भी वो आपका प्रोडक्ट खरीदने को तैयार हो जाएगा, यदि ये प्रोडक्ट सामने रहेगा तो। मेरा तो सीधा दे रहा, मैंने जब शुरू किया था 2 साल पहले, और मैं अपने घर से 250 किलोमीटर दूर मैंने बिजनेस चालू किया था, ट्रेन से गया था, और मैं अपने साथ में प्रोडक्ट का बैग लेके गया था, कार्टून लेके गया था, कितने का मालूम है? 40,000 का प्रोडक्ट। पहली मुलाकात में एक बैग लेके गया था, प्रोडक्ट का सैंपल दिखाया 2-4-5 लीटरों को, प्रोडक्ट सारे दिखाए, एक एक पीस करके सारे प्रोडक्ट दिखाने के बाद दूसरी मुलाकात में 40,000 का प्रोडक्ट लेके गया। उस बंदे ने अपने गांव में बहुत सारे लोगों को बुला रखा था, और मैंने वहां ले जाके प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दिया, आयुर्वेदिक कैंप लगा दिया, शिविर लगा दिया, एक बैनर भी बना के रखा कि हमारे पास भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट उपलब्ध है। वो बैनर हमने टांग दिया जहां पर हम लोग बैठक किए, और वहीं पर लोग बाग आ गए बहुत सारे, और उनको बुला लिया वहां के लीडर ने, और वो पेशेंट की तरह, मैं डॉक्टर की तरह, डॉक्टर मैं हूं नहीं, लेकिन उनको क्या पता मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो रायपुर से गया हूं 250 किलोमीटर दूर, उनके लिए वो मेरे को डॉक्टर समझ रहे हैं, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई डिग्री थोड़ी दिखानी है वहां पर, वो मुझे जो समझेंगे मैं वही, उस समय अगर मुझे डॉक्टर समझेंगे मैं डॉक्टर, उस समय मुझे जो समझेंगे मैं वो बन। और मैंने उनको काउंसलिंग करना चालू किया, ये खांसी का सिरप, ये लिवर का सिरप, ये खांसी का सिरप 195 MRP है, 120 DP। अगर पहली मुलाकात में MRP बेचना है तो DP मत बताओ, MRP। अगर DP, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं वहां पर, तो MRP DP दोनों बताओ, और यदि आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाना है, आपको खाली प्रोडक्ट बेचना है, तो MRP बताओ। ये हमारा लीवर सिरप है, ये इसका ये खास बातें हैं, और ये ऐसे ऐसे काम करता है, ये हमारा ब्लड प्यूरीफायर है, ये ऐसे काम करता है, हमारा यूरी प्लस है, ये ऐसे काम करता है, प्रोडक्ट डब्बा सहित एकदम नया फ्रेश पीस, ये नहीं कि मूड़ा कुचुड़ा पुराना टाइप का डब्बा है, एकदम जो सड़ा हुआ टाइप का, जैसे कुछ लोग रखते हैं ना डब्बा, वो जो बैग में घुमाते घुमाते पुराना हो जाता है, वैसा डब्बा नहीं होना चाहिए, धंधा नहीं आएगा। एकदम फ्रेश पीस आपके डब्बे दिखने चाहिए उस पर। और सबसे पहले 8 सिरप आप दिखा डालिए, प्रोडक्ट काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, 8 सिरप, लीवर सिरप, खांसी सिरप, कफ नेल, सब चीज, थायराइड सिरप, सब दिखा डालिए, आपकी दुकान दिखा डालिए सबसे पहले। उसके बाद ये कैप्सूल, ये कैप्सूल, ये कैप्सूल, ये कैप्सूल, ये कैप्सूल, ये कैप्सूल, ये पूरे 8-10 कैप्सूल हो, और MRP DP घर से रट के जाइए सब चीजों का, धीरे धीरे बताते बताते अभ्यास हो जाएगा, बता डालिए। लीवर सिरप,
सारे कैप्सूल, पहले सिरप फिर कैप्सूल, उसके बाद लास्ट में 95 लास्ट में, डाइवालाइफ लास्ट में, न्यूट्रीलाइफ लास्ट में, और हमारा और कोई प्रोडक्ट बच गया क्या, एक और स्पिरुलिना गोल्ड लास्ट में, ये तो लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले सस्ता, फिर धीरे से लास्ट में महंगा जरूरत पड़ेगी। तो क्योंकि भारत के लोग कितने भी प्रोडक्ट करोड़पति क्यों ना हो, सबसे पहले सस्ता प्रोडक्ट खोजते, तो सस्ता दिखाओ फिर धीरे धीरे महंगे में जाएंगे। तो 120 रुपए के खांसी के सिरप, लिवर सिरप 150 रुपए से शुरू करेंगे और लास्ट में 3000 रुपए वाला प्रोडक्ट तो आखिरी में आएगा हमारा महंगे। इस तरीके से जब आपकी प्रोडक्ट का काउंसलिंग करेंगे आप फर्स्ट टाइम में, किसी के भी घर में जाके बैठ जाइए, भाई साहब मैं चैलेंज देता हूं, आप खाली हाथ नहीं आओगे। पहला प्रोडक्ट सेक्शन हो गया, प्रोडक्ट में बंदे का इलाज कर डालिए, क्योंकि जैसे आप प्रोडक्ट दिखाना शुरू करोगे ना और प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बताना चालू करोगे ना, तो होगा क्या मालूम है, जो सुनेंगे आपको, जो आपको सुनेंगे वो उनके दिमाग में पेशेंट घूमना शुरू हो जाएगा, पेशेंट घूमना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं। और जब उसके दिमाग में पेशेंट घूमेगा तो तुरंत वो क्लोजिंग मारने का कोशिश करेगा, अरे उसको बुलाएगा, उसको बुलाएगा, दो चार को फोन करना शुरू कर देगा, अरे आ ना यार वो थायराइड का प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम का बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है, साफ लेकर के आए, उसका माल बिकना शुरू, आपका क्लोजिंग चालू, प्रोडक्ट बिकना शुरू, बिजनेस चालू। अरे जब प्रोडक्ट बिकेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप ही बन जाएगा सामने वाला, लेकिन प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है आप तो ड्रीम बेचने में पड़े हो, कितना ताकत लगाओगे। भैया मैं तो थक गया पिछले 5-10-15 सालों से ड्रीम बेचते बेचते, मेरे से ड्रीम नहीं बिकेगा, मेरे से तो प्रोडक्ट बिकेगा। और आज भी एज एनटीसी लीडर जब मेरे को कहीं नई जगह बिजनेस लॉन्च करना होता है, सपोज करो कि अभी मैं थोड़े दिन में, अभी मैंने पिछले 15 दिन के अंदर उड़ीसा में बिजनेस लॉन्च किया है और पिछले 15 दिन का मेरा क्लोजिंग हुआ है 3 लाख रुपए, क्योंकि जैसे अपलाइन वैसे डाउनलाइन, मैं जैसे काउंसलिंग दूंगा वैसे ही माल बिकेगा। मैं अभी उड़ीसा गया नहीं हूं, अभी तो मैंने ऐसे किया मीटिंग, लेकिन वर्चुअल प्रोडक्ट दिखाए बगैर मैं मीटिंग करता ही नहीं। जो मेन लीडर है उसको बुलाया मैंने एक एरिया में 1 महीना पहले और उसको सारा पहले दुकान दिखा दिया, भाई बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़ा लीडर होने के बावजूद भी मैंने पूरी दुकान दिखा दी। दुकान बोले तो हमारे प्रोडक्ट हमारी दुकान है, लीवर सिरप से लेकर सारा प्रोडक्ट दिखा डाला। उसके बाद प्लान में क्या बताना था, प्लान तो एकदम सिंपल था। आज की डेट में नेटवर्किंग लगभग सभी लोगों को पता है कि 2 लाइन से काम चालू होता है, 2,10,000 हफ्ते का आता है और ऐसा ऐसा बात है। मैंने सिंपल बताया, भाई साहब 1 लाख का माल बेचोगे 50,000 का प्रॉफिट है, सबको बता रहा हूँ। 1 लाख का माल रिटेल करोगे ना, रिटेल 50,000 प्रॉफिट है, पहले 1 लाख में 40% है और अगले 1 लाख में 50%, इतना ही प्लान, माई लाइफस्टाइल का प्लान मेरे साथ खत्म हो जाता। मुझे कोई भी रिटेल करने वाली टीम, मुझे पता सब टीमें रिटेल करने वाली है, और रिटेल करने वाली टीम को मैं सिंपल पहले पूरी दुकान दिखा देता हूँ, दुकान दिखाने के बाद मैं सीधा एक मेरे को बोलता है प्लान क्या है, सर पहले 1 लाख में आपको 40% है, अगले 1 लाख में 50%, बस प्लान खत्म। सामने वाला तो ये सुनना चाहता था, मैंने बता दिया काम खत्म। तो आपको पहले प्लान को इतनी तवज्जो नहीं है, प्लान बाद में आराम से सुन लेगा धीरे 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 धीरे, लेकिन एक फ्रेशर आदमी को प्लान बताने की शुरुआत में जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट काउंसलिंग ही प्लान। तो इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 3 महीने, अभी 15-20 दिन पहले मैंने उड़ीसा बिजनेस लॉन्च किया, 3 लाख रुपए का माल पहले 15-20 दिन के अंदर निकल गया। रिटेल में बिजनेस बिक रहा है, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में मेरी 5 टीमें हैं, अलग अलग सभी टीमों में धुआंधार माल बिक रहा है, थोक में माल बिक रहा है, सब जगह बिक रहा है। अभी आपको मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, 1 महीना हुआ है, 1 महीना पहले पूरे इंडिया में लॉकडाउन था और मैं लखनऊ में बैठा था, यूपी में, मेरा होम टाउन है वो भी, वहां पर मैं बैठा हूं, और रायपुर में यहां पर माल चाहिए, कवच प्रास चाहिए, कवच प्रास, और कवच प्रास मेरे डॉक्टर्स को चाहिए, और किसी के पास माल नहीं है, छत्तीसगढ़ में माल नहीं है, उड़ीसा में माल नहीं है, किसी शॉप में माल नहीं है, कैसे आएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य, मेरा एक ही तरीका है कि मेरे डाउनलाइन को मैं एनी हाउ माल पहुंचाऊंगा, अगर उसको माल चाहिए तो मैं माल दूंगा। पिछले अभी 20-25 दिन पहले की बात बता रहा हूं, 1 दिन में हमने 360 डब्बा कवच प्रास सप्लाई दिया, 1 दिन 360 डब्बा, और उसके लिए 20-25 लोगों की टीम ने सिर्फ 2 लोगों को दिया, 2 लोगों को 360 डब्बा कवच प्रास और 148 डब्बा हमने आयुष स्वास्थ्य दिया। क्यों दिया मालूम है, हमें पता है आयुष स्वास्थ्य क्या चीज है, आपको पता नहीं है, और आप तो बन गए हैं लीडर, और जब लीडर बन गए तो आयुष स्वास्थ्य के बारे में आपको जानना जरूरी नहीं है, और जब तक आयुष स्वास्थ्य के बारे में जानोगे नहीं, 1 दिन में 148 डब्बा बिकेगा नहीं।
मुझे याद आ रहा है, एक महीना पहले मैंने आशीष जी को फोन किया था, मैं इलाहाबाद में बैठा था, मैं आशीष जी को बोला सर कवच प्राश चाहिए मेरे को, कितना डब्बा चाहिए सर, जितना मिल जाए उतना चाहिए। तो आशीष जी के पास भी नहीं थे उस टाइम, तो फिर लखनऊ ऑफिस में मैंने पहले 100 डब्बा उठाया, फिर इलाहाबाद ऑफिस से मेरे को जीतमल जी ने सहयोग किया, उनसे मैंने कवच प्राश उठाया, फिर मैं रायपुर आया, यहाँ पर मुझे 100 डब्बा मिला, फिर कहीं माल नहीं मिला तो मैं दिल्ली से 360 डब्बा भाई कुरियर 10,000 रुपए कुरियर वाले को देकर 360 डब्बा मैंने कवच प्राश मंगा के यहाँ सप्लाई किया। क्यों क्यों बिका ये माल, लॉकडाउन में एक ही दिन में इतना माल क्यों बिका मालूम है? हमने ड्रीम नहीं बेचा पहले, ड्रीम हमने बाद में सेकेंडरी रखेंगे, हम पहले प्रोडक्ट को आगे रखेंगे। जब हम प्रोडक्ट की दुकान दिखाओगे तो आपको 3 लाख का ऑर्डर मिलने में 15 दिन भी नहीं जाएगा, और जब आप ड्रीम की दुकान दिखाओगे तो आईडी मिलेगी आपको। ड्रीम इजिकल टू आईडी, प्रोडक्ट इजिकल टू थोक बिजनेस, थोक व्यापार। अरे भैया मैंने तो चीनी थोक में बेची है, गुड़ थोक में बेचा है, तो मुझे पता है कि एलिमेंट का बिजनेस थोक व्यापार है, तो मैं चिल्लर चिल्लर क्यों करूं इसको, इसको चिल्लर चिल्लर क्यों करूं मैं 55,000 की आईडी क्यों बेचूं जो 50,000 का खाली कवच प्राश बिकने को तैयार है। एक डॉक्टर ने हमको कितना ऑर्डर दिया, 288,000 रुपए का कवच प्राश दिया उसने एक महीना पर, हमने उसको एक साथ में 300 डब्बा दिए, 2.5 लाख रुपया उसने अकाउंट में ट्रांसफर किया, एक ही घंटे के अंदर में सब खेल खत्म, दिल्ली से माल मंगा के दिया। जब हम प्रोडक्ट दिखाएंगे तब ना बिकेगा, लेकिन हम तो प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे, हम तो ड्रीम दिखाएंगे, सपना दिखाएंगे, सपना दिखाओ, सपना ही बेचो, फिर धीरे धीरे चलेगा, 7 साल में खेलोगे अपने। तो साहब जो दिखता है वो, कुछ लोगों को आज का ट्रेनिंग गड़बड़ लगने वाला है, खराब लगने वाला है, लगे भलाई मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चाहता हूँ आपका धंधा उठ जाए, आपकी डाउनलाइन को ये ट्रेनिंग समझ में आ गई ना, हो जाएगा काम बहुत बड़ा। तो आज से अगर आप चाहते हो कि आपका भी टीम में रिटेल बढ़े, तो आपके पास में स्टॉक होना चाहिए भर भर के, और आपके डाउनलाइन को कहीं भी प्रोडक्ट चाहिए ना, आपका फर्ज बनता है कि उसको देना है। और नए लोगों को मैं बताऊंगा कि आप इस बिजनेस को शुरू करिए कम से कम 15,000 रुपए का प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि 15,000 रुपया में आपको खाली एक एक पीस, एक सेकंड सर, एक सेकंड, सॉरी, 15,000 रुपया में आपको खाली एक एक पीस मिलेगा, तभी प्रोडक्ट का सिर्फ एक एक पीस, सैंपल दिखाने के लिए, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा, इस बात को याद रखिएगा। और अपने हर डाउनलाइन को ट्रेनिंग देते टाइम ये डायलॉग बोलना है, जो दिखता है वो बिकता है, तो माल आपके पास में रहना चाहिए, वर्चुअल प्रोडक्ट रहना चाहिए, और एक एक पीस आपके पास रहना चाहिए, और वो जो एक एक पीस आपकी बैग में है ना, उसको बेचना नहीं है, उसको दिखाने के लिए स्टॉक एनी टाइम रखना है। अब बेचना है, मान लो ऑर्डर आ गया उसी टाइम, दिखाते दिखाते सामने वाला गर्म हो गया और तुरंत ऑर्डर देना चालू कर दिया, तो आपके पास गाड़ी में या आपके पास और स्टॉक भी होना चाहिए। अपने डाउनलाइन को सिखाइए, आपके साथ जो भी काम करता है, भाई तेरे पास माल रहेगा ना तो सेलिंग करा दूंगा, तेरे पास माल रहेगा ना तो मैं सब बिकवा दूंगा, भले धीरे धीरे बिकेगा ना, लेकिन आपको करना है। और जब आप गांव गांव में शिविर लगाएंगे, कैंप लगाएंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता, नेटवर्क मार्केटिंग शहर का बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग गांव का बिजनेस, ये गांव में जितना जल्दी डेवलप होता है उतना जल्दी शहर में नहीं, शहर के लोगों के पास टाइम कम होता है, गांव के लोगों के पास टाइम ज्यादा होता है, जिसके पास सुनने की क्षमता ज्यादा होती है, जिसके पास सुनने के लिए टाइम ज्यादा होता है, वहां पर आप ये बिजनेस करिए। और आपको हर गांव में शिविर लगाने हैं, कैंप लगाने, और कैंप का मतलब होता है कि एक बैनर रखिए अपने पास, और वो गांव में एक ऐसे लीडर को पकड़िए, एक ऐसे गांव के दमदार आदमी को, गांव के सरपंच को पकड़िए, गांव के सचिव को पकड़िए, जिला पंचायत से जुड़ा हुआ कोई आदमी को पकड़िए, नगर पंचायत से जुड़े हुए कोई आदमी को पकड़िए, उसके माध्यम से आप गांव में एक प्रभावशाली व्यक्ति को पकड़िए। देखो मैं आपको फंडा बताऊं, गांव के किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को पकड़िए और उसके माध्यम से गांव में बोलना, भैया हमारे पास आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रमाणित एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की एजेंसी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है जिससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बहुत जल्दी लोगों को लाभ मिलता है, और हमें तुम्हारे गांव में एक शिविर लगाना है और प्रोडक्ट की जानकारी देनी है तुम्हारे गांव वाले लोगों को, तुम 5-10-15 लोगों को बुलाओ यार। और वहां पर आप उसको बोलोगे कि मैंने इस बिजनेस में ये गाड़ी लिया है, ये कार लिया है, तुम्हारे गांव वाले भी ले लेंगे, वो सामने वाला बंदा आपका सहयोग करेगा कि नहीं करेगा मुझे डाउट है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी वाले सपना दिखा के चले गए, उनका प्रोडक्ट में दम नहीं था इसलिए सपने फेल हो गए, हमारे प्रोडक्ट में इतना दम है कि प्रोडक्ट की वजह से हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट है ना उसको सामने रखो और उसको बोलो कि ऐसा था, हम एक शिविर लगाने आएंगे, और आप उस टाइम बढ़िया प्रोडक्ट कम से कम 1,00,000 रुपए का या 50,000 का प्रोडक्ट
के जाइए और एक एक पीस के सामने डिस्प्ले कर दीजिए, बढ़िया से प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। वहां पर मत बताइए प्रधानमंत्री, वहां पर मतलब बहुत ज्यादा है ना, हमारी कंपनी ने इतना लखपति बनाया, इतना करोड़पति बनाया, इतना ये किया, इतना वो किया, ये सब बताओगे ना तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और बोल देगा ये मार्केटिंग वाले हैं, ये मार्केटिंग वाले अपने मामा बनाने आए हैं, और सब आपके किनारे हो जाएंगे भाई साहब, आपकी मीटिंग फेल हो जाएगी। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है, मैंने बहुत गलतियां की है, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो गलतियां मैंने की है वो आपको नहीं करना है। आपको बता रहा हूँ रायपुर से 140 किलोमीटर दूर एक छोटी जगह कांकेर बोल के एरिया है, वहां पर मैं एक मीटिंग लगाया और वहां पर मैंने एक स्कूल के बहुत सारे टीचर को बुलाया, बहुत हाईली एजुकेटेड टीचर लोगों को बुला के मैंने बहुत अच्छी हेल्थ काउंसलिंग दिया और बहुत अच्छा प्रोडक्ट काउंसलिंग दिया। क्लोजिंग होने वाली थी उसी टाइम मैंने गलती क्या की मालूम है, ESBI क्वाड्रेंट बता दिया, ई क्वाड्रेंट और बी क्वाड्रेंट बता दिया, एम्प्लॉय से बिजनेसमैन मालिक कैसे बनना बता दिया, और उसके बाद जोड़ने जाड़ने वाली बात भी बता दी, एक्साइटमेंट में सब बता डाला। हुआ क्या, एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका। बोला साला ये भी वही आदमी है जो पहले दूसरी कंपनियों में जैसे आता था, वही प्रोडक्ट बेचने के लिए आया, मेरा माल नहीं बिका। उस दिन के बाद कसम खाया कि एक्साइटमेंट को ना कंट्रोल रखना है। जीत सर आपको भी बोल रहा हूँ, एक्साइटमेंट को कंट्रोल रखना है, और आपको जहां पर प्रोडक्ट बोलना है वहां सिर्फ ही प्रोडक्ट बोलना है सभी लोगों को, और जहां पर जरूरत है प्लान की वहां पर प्लान ठोकना है। नहीं तो पहली मुलाकात में प्रोडक्ट से मोहब्बत कराओ, दूसरी मुलाकात में तो हमसे मोहब्बत हो ही जाएगी दोस्तों, ठीक है, फिर हमारी कंपनी से भी हो जाएगी, हमारे प्रोडक्ट जब रिजल्ट देगा, प्रोडक्ट जब दमदार होगा तो हमारे हर चीज से मोहब्बत हो जाएगी सामने वाले। यही है इस बिजनेस का साथ, रिटेल बढ़ाने का, रीपर्चेज बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आपका प्रोडक्ट नॉलेज आपको अपग्रेड करना है और प्रैक्टिकली प्रोडक्ट को सामने लाना है, ये सपनों को सामने नहीं लाना है पहले, फिर देखो रिटेल कैसे बढ़ती है, मजा आ जाएगा। और आपको बता दो अभी आपका लॉकडाउन खत्म होने वाला है, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप फिर वही STC बन जाओगे, RTC बन जाओगे, तोप बन जाओगे, ऐसे सूट टाइप पहनोगे, ऐसे हाथ डालोगे और फिर वही ईगो में जीना शुरू कर दोगे। अरे भाई साहब पिछली मीटिंग में आपने देखा होगा संकेत भाई साहब का 300 करोड़ का लेफ्ट राइट हो चुका है, उसके अंदर ईगो नहीं है, 2.5 घंटे तक बैठे रहे, और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि 15 मिनट में भाग जाते हैं मीटिंग छोड़ के, उनके अंदर आज भी ईगो है और अपने ईगो की वजह से वो लोग बहुत सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे। लेकिन आपको जो है ना वो STC लीडर 300 करोड़ वाले को ईगो नहीं है, मुबीन मोहम्मद सर का 121 करोड़ लेफ्ट राइट है, इसके बाद ईगो नहीं है, लेकिन अपन लोगों का तो 25 लाख लेफ्ट राइट हो गया, अपना अंदर ईगो आ गया, अपन लीडर बन गए। अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद आना आप ये प्रोडक्ट काउंसलिंग और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना ये सब भूल जाओगे, पक्का बता दो, आप फिर वही ईगो में जीना शुरू कर दोगे और फिर वही लीडर बन जाओगे, अपन तेरा लीडर है, अपन STC है, अपन ये है वो है। मैंने आपको मैंने शुरुआत में चीज बताई, मैंने अपनी एक भी रैंक का सेलिब्रेशन नहीं किया, इसका मतलब क्या हो, RTC रैंक तक मैंने सेलिब्रेशन नहीं किया, इसका मतलब एक ही था, मैंने कोई रैंक को वैल्यू नहीं, मैं जिस दिन यह समझने लग जाऊंगा ना मैं रैंक को वैल्यू देना चालू कर दूंगा ना उस दिन खेल खत्म, मेरा ईगो आ गया मेरे अंदर, जिस दिन ईगो आ गया उस दिन मेरी इनकम खत्म। तो अपने को देखिए मैं बता दूं, जब तक अपन मैं RTC था कभी भी 1 लाख रुपए से नीचे का इनकम मेरा नहीं आया, 1 लाख से नीचे का कभी नहीं आया, और जब RTC मेरा खत्म हुआ 4 महीना पहले जनवरी महीने में, NTC लगा तो NTC लगने से पहले RTC लेवल पे महीने का 1,90,000, 1,00,000, 2,00,000, 2,10,000 का इनकम आना चालू हो गया, और NTC बनने के बाद अब ग्राफ ऊपर ही चल रहा है, अब एकदम फर्स्ट क्लास ग्राफ है, और आगे अभी आने वाले 3-4 महीनों में ग्राफ 3.5-4 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाए, 5 लाख भी महीना पहुंच जाएगा। और CTC बनने के बाद ये कंपनी में 5 लाख से महीने का इनकम कभी नहीं आने वाला है, ये अभी से अपने को विजुलाइज हो चुका है सारा चीज, पता है अपने को 5 लाख से नीचे का पेआउट नहीं आएगा, ITC बनेंगे तो 10 लाख से नीचे का पेआउट नहीं आएगा। यह बात आपको आपकी टीम को बताना है कि आप TC बनोगे तो इस बिजनेस में महीने का 30,000 कम से कम कमाओगे, कम से कम 30,000, 40,000, 50,000 तक कमाओगे, नहीं कमा पाओ तो भी बताओ, DTC लेवल पे आपकी इनकम 60,000 से 70,000 होगी, आप ZTC लेवल या STC लेवल पार करोगे तो महीने के 1 लाख के आसपास पहुंच जाओगे, RTC लेवल पहुंच जाओगे तो महीने का 1 लाख से नीचे नहीं आएगा, और RTC लेवल खत्म होगा तो महीने का 2 लाख से नीचे नहीं आएगा, CTC लेवल खत्म हो जाएगा तो महीने का 5 लाख से नीचे नहीं आएगा, और ITC लेवल बन जाएगा तो महीने का 10 लाख से नीचे आपको इनकम नहीं आएगा। ये सब डायलॉग्स
आपके अंदर पावरफुल रहेगा अपनी टीम को बताने के लिए, सभी लीडरों को, सभी डाउन, तब आपकी टीम हमेशा मोटिवेट रहेगी और जो आप बोलोगे वो करोगी और भर भर के रिटेल करेगी। और रिटेलिंग का मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, कुछ लीडर अभी कंफ्यूज होने वाले, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी कंफ्यूज होने वाले हैं, तो मैं आपको एक फार्मूला बता, वो फार्मूला मैंने भी सीखा था करीब 2-3 साल पहले, आपको भी बताऊं कि जो आदमी जो काम कर सकता है ना उसे वही काम कराने का, जो आदमी बहुत अच्छा रिटेल करता है ना उसको बिजनेस मत सिखाइए, वो रिटेलिंग से भी जाएगा बिजनेस से भी जाएगा। और जो आदमी रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी कर सकता है, बहुत अच्छी आईडी निकाल सकता है, बहुत अच्छा टीम ग्रोथ करा सकता है, उसको ज्यादा रिटेल कराने के में भी बिलीव मत करिए। आपको चेंज नहीं करना है, किसी को बदलाव नहीं करना है, हर आदमी की अपनी कुछ आदतें होती है और उन आदतों के हिसाब से ही लेके चलिए उसको। तो जो आदमी जो काम कर सकता है उसे वही काम कराइए। और बहुत सारे लोगों की टीम कब खत्म हो जाती है मालूम, आपकी टीम में बंदे बहुत अच्छी रिटेल कर रहे हैं शुरुआत में, लेकिन आप उसके धंधे दिमाग में शुरू में ही ड्रीम बिल्ड करना चालू कर देते हैं, उसको बोलोगे टीम बनाओ, लोगों से मिलाओ, लोगों को जुड़वाओ। हर आदमी को जोड़ना पसंद नहीं है भाई साहब, जोड़ने में बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है, पुरानी कंपनी वाले आ जाते हैं, मिल जाते हैं, हमको बहुत सारा लफड़ा हो जाता है। तो जोड़ने ओढ़ने में ज्यादा वो मत करिए, जो आदमी जो काम कर सकता है उसे हमें वही काम कराना है, इस डायलॉग को लिख लीजिए। हो गया, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग करनी है हमको, प्रोडक्ट नॉलेज हमें टारगेट करना है, नंबर वन पेशेंट, नंबर टू दो फील्ड वर्कर्स, फील्ड वर्कर्स में कौन कौन आते हैं, नंबर वन पेशेंट, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट पेशेंटों के लिए बना है और हर आदमी पेशेंट है, मुझे तो हर आदमी में पेशेंट दिखता है। जो थोड़ा सा भी अंग्रेजी दवाई कभी कभार खाता है, गैस बनती है ना, ऐसी लोग लेता है, घुटना दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तेल की मालिश करता है, सब पेशेंट, गैस बनती है ना, वो सब पेशेंट। और एक बात बताऊं, जो शाम को 7 बजे के बाद खाना खाता है ना, वो सब पेशेंट। अब देख लो आप भी अगर 7 बजे बाद खाना खाते हो, आप भी पेशेंट है। आपको भी अगर 9 बजे बाद आप खाना खाते हो और घूमने नहीं जाते हो, वॉक नहीं करते हो शाम को 1 घंटा खाना खाने के बाद, तो आपको तुरंत लिवाग्रेन कैप्सूल खा लेना चाहिए और खाना खाने के 1 घंटा बाद इम्यूनो 3+ टैबलेट भी खा लेना चाहिए। हाँ सही बोल रहा हूं, अगर आप रात में 9 बजे खाना खाते हो और वॉक करने नहीं जाते हो तो इम्यूनो 3+ टैबलेट रात में सोते टाइम और खाना खाने के तुरंत बाद आपको लिवाग्रेन कैप्सूल तुरंत खा लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका लीवर कभी कमजोर नहीं होगा, डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, लीवर में बाइल जूस बराबर बनेगा और लीवर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो आपका खाना पचेगा, आपको एसिडिटी नहीं बनेगा, आपका पेट में एसिडिक प्रॉब्लम नहीं होगा। और इम्यूनो 3+ क्यों खाएंगे, इंटेस्टाइन में जाम नहीं लगेगा, इंटेस्टाइन में आपका खाना जो है सड़ेगा नहीं, इम्यूनो 3+ में त्रिफला का ट्रिचुरेशन प्रोसेस लगा हुआ है, वो आपके खाने को पूरा बाहर निकाल देता है, मतलब आपका जो खाने को पचा करके और पूरा गंदगी को सुबह तक बाहर निकाल देता है। तो कहने का मतलब यह है खाना खाने के बाद में वॉक करिए और उसके बाद ये टैबलेट और ये सब चीजें साथ में खाइए, 7 बजे के बाद हो सके तो खाना मत खाइए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो शाम को 7 बजे के बाद खाना मत खाइए, हेल्दी रहना है, और अगर लेट खाना मिले तो लिवाग्रेन कैप्सूल खाइए, इम्यूनो 3+ खाइए। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको एक रिटेल का बहुत बड़ा फंडा बता दिया। अभी भारत के 95% लोग, आदमी हो चाहे औरत हो, सब लोग रात में 7 बजे के बाद ही खाना खाते हैं। रिटेलिंग का पहला फार्मूला, 7 बजे बाद खाना खाने वालों को लिवर कैप्सूल और इम्यूनो 3+ देना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको डरा देना, बता देना भाई साहब लीवर कैप्सूल नहीं खाओगे, इम्यूनो 3+ नहीं खाओगे और 7 बजे के बाद 9 बजे खाना खाओगे, आपका खाना तो पेट में सड़ेगा और पेट में खाना सड़ेगा तो गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा, तो धीरे धीरे आपका पूरा बॉडी का सेल खराब हो जाएगा और जब कोशिका ही खराब हो जाएगी तो कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, एलडीएल भी बढ़ जाएगा, एचडीएल भी बढ़ जाएगा, सब कुछ खेल हो जाएगा। और ये सब काउंसलिंग आप बहुत बढ़िया तब कर पाओगे जब YouTube से आप उसको स्टडी करोगे, हंसने की बात नहीं है साहब,
अतुल अजीम जी, काउंसलिंग जो है ना, हेल्थ काउंसलिंग, मैंने आपको पहले एक चैप्टर बताया था, लीडर लोग हल्के में ले रहे हैं, अभी भी बता रहा हूँ मैं, आप लोग हल्के में ले रहे। हेल्थ काउंसलिंग जितना अच्छा होगा ना, उतना बड़ा धंधा होने। और हेल्थ काउंसलिंग सीखना है ना, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कार्डियक प्रॉब्लम में क्या क्या होता है। एचडीएल बढ़ जाता है, एलडीएल बढ़ जाता है, एचडीएल कम हो जाता है, और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है ना, यही तो होता है। लीवर में क्या होता है, एसजीओटी पीजीओटी कम हो जाता है, बढ़ जाता है, यही तो सब लफड़े होते हैं। थोड़ा मोटा सीख लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। इतना बड़ा पैसा छापने वाले हैं, पूरा हिंदुस्तान अपने को कमा के देने वाले, लेकिन आप अपना नॉलेज अपग्रेड नहीं करोगे, आप उसको तीसरे डब्बे की तरह करोगे ना, धंधे को कुछ होने वाला नहीं। तो चौथे डब्बे की तरह इस मानसिकता डेवलप करिए इस बिजनेस में आप अपनी, और आगे बढ़िए, सक्सेस हो जाइए जल्दी से। यहाँ पर लिस्ट बना लीजिए, सबसे पहले पेशेंट, हर आदमी पेशेंट है, शाम को 7 बजे खाना खाने के बाद जो खाना खाता है वो पेशेंट है, सबके लिए। और आपकी बैग के अंदर ना और कोई चीज आपके बैग में 10 डब्बा हो या ना हो, लेकिन लीवर कैप्सूल का 10 डब्बा, इम्यूनो 3+ का 10 डब्बा, लीवर सिरप का 12 या 24 पीस आपके पास एनी टाइम स्टॉक रहना चाहिए। अगर मेरी तरह काम करना है तो मैं तो पेटियां सप्लाई करता हूँ लीवर सिरप का और ये सब का, इम्यूनो 3+ का। मैं तो जहां पर इम्यूनो 3+ और लीवर सिरप, ये शॉर्ट रहता है मेरी टीम में हमेशा। क्यों शॉर्ट रहता है? क्योंकि अपना तो टोटल फंडा ही यही है, 7 बजे के बाद खाना खा रहे हो, ये खाना ही पड़ेगा। देसी भाषा में जितना ज्यादा समझाओगे अपनी टीम को, उतना जल्दी आपकी टीम आगे बढ़ जाएगी। टेक्निकल में बड़ा इस बिजनेस में जाने वाला नहीं है। तो हो गया हमारा पहला पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट के साथ कैसे काउंसलिंग करनी है, पेशेंट के साथ कैसे बात करनी है, पेशेंट के सामने नेटवर्क करने दिखना चाहिए पहले अंदर आपके अंदर में। पेशेंट के अंदर के पास जाओगे तो आपके अंदर में नेटवर्कर, आपके अंदर में ड्रीम, ये सारी बातें नेटवर्क वाली भाषा भूल जाइए। पेशेंट मतलब डॉक्टर, उसको सिर्फ आपके अंदर एक डॉक्टर दिखना, बहुत बहुत कम बोलना है। डॉक्टर हमेशा कभी ज्यादा बड़बड़ाता नहीं, नेटवर्कर बहुत बड़बड़ाता है, डॉक्टर कम बड़बड़ाता। और आप लोग क्या करते हो, सामने वाले के घर जाके पेशेंट के सामने एक नेटवर्कर की तरह बोलने शुरू कर देते हो, तो वो समझ जाता है मार्केटिंग वाला, खेल खत्म। आपको यहाँ पे डॉक्टर बन के जाना है, और डॉक्टर हमेशा कम बोलता है, बोलता कम है, सुनता ज्यादा है, समझता ज्यादा है, और सॉल्यूशन देता है। आपका काम है सॉल्यूशन देना, सॉल्यूशन दीजिए सामने वाले को, सॉल्यूशन चाहिए, हो गया काम आपका। आगे चलते हैं, फील्ड वर्कर्स, अपनी टीम में ज्यादा ज्यादा फील्ड वर्कर्स को लाइए। फील्ड वर्कर्स का मतलब कौन? LIC एजेंट, बीमा एजेंट। बीमा एजेंट पता है आपको, एक्टिव इनकम लेता है। बीमा एजेंट का धंधा पहले 3 साल में बुलिश रहता है, जबरदस्त चलता है, लेकिन उसके बाद धंधा धीरे 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 डाउन होने लग जाता है। और बीमा एजेंट को फील्ड करने की हमेशा आदत रहती है, उसको तो रोज नया बीमा बेचने में उसका दिमाग चलता रहता है। तो क्यों, रोज वो लीवर कैप्सूल नहीं बेचेगा, रोज वो 95 नहीं बेचेगा, सब कुछ रोज बेचेगा, बीमा से ज्यादा बिकता है अपना प्रोडक्ट। और LIC एजेंट या बीमा एजेंट से बढ़िया तो इस बिजनेस के लिए कोई लिस्ट ही नहीं। कल से छाप दीजिए सारे बीमा एजेंट, LIC एजेंट, साले वो भी ईगो में जीते हैं ना, पूरा मत मानिएगा, पूरा मत मानिएगा। हर आदमी ईगो में जीता है, हर आदमी, चाहे भले गरीब हो चाहे अमीर, हर आदमी ईगो में जीता है। बीमा एजेंट का भी अपना ईगो है, और हम नेटवर्कर है, हमारा भी ईगो है, लेकिन हम एक बीमा एजेंट की लाइफ बनाने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बोलते हैं बीमा एजेंट की तरह जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मैं हम खाली इतना ही नहीं बोलते, हम लोग जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, और हर हफ्ते 2,10,000 रुपया मरने के बाद भी आपके परिवार को देने का ताकत रखता है माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग, और दे रहा है ऑलरेडी। कितना प्रूफ दें आप, PV अशोकन जी को दे रहा है, विमल सरीन जी को दे रहा है, श्रीजन नायर साहब को दे रहा है, उनकी फैमिली को। कहां बीमा एजेंट का लाइफ, एक मरने के बाद 1 लाख मिल जाए, मरने के बाद 10 लाख मिल जाए, अरे इतनी छोटी बात करते हो आप। ठीक है, गरीब आदमी के लिए ये बातें अच्छी है, लेकिन सामने वाले को यार हम लोग मालिक बना रहे हैं, इंटरप्रेनर बनाने की बात कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पर इंटरप्रेनरशिप दे रहे हैं, मालिक बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये सब बातें बोलने से नहीं चलेगा। तो एक बीमा एजेंट का एटीट्यूड बदलिए। बीमा एजेंट आपकी बहुत अच्छी लिस्ट बनेगी, कोई भी बीमा हो, किसी भी बीमा का, क्योंकि फील्ड करने की आदत। इसके अलावा जितने भी फील्ड वाले लोग, अब आप लोग क्या करते हो मालूम है, एक और गलती कर देते हो, जब फील्ड वाली बात आती है तो आप लोग क्या करते हो, MR को पकड़ते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बहुत ईगो में जीता,
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लाओगे तो सबसे पहले बोलेगा फ्री में सैंपल दो, क्योंकि उसको तो कंपनी से फ्री में सैंपल लेने की आदत पड़ी है। अंग्रेजी दवाई वाली कंपनियां सैंपल बेचती है, आपको सैंपल दे नहीं पाओगे एक रुपए का भी, कैसे काम बनेगा। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट बेस्ट लिस्ट, ये हमारे प्लान के लिए बहुत अच्छी लिस्ट नहीं है। मैंने करके देखा, वो भी अपने ईगो में देता, फ्री में खाने की फ्री में बेचने की सब ईगो में रहता है, लेकिन फिर भी यदि उसका ESBI क्वाड्रेंट आपने क्लियर कर दिया ना, अगर उसको मालिक बनने वाला क्वाड्रेंट अगर क्लियर कर दिया ना, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा आपके सामने। लेकिन फिर भी बीमा एजेंट बहुत अच्छी लिस्ट है, उसको टारगेट करिए। फील्ड में काम करने वाले जितने भी लोग फील्ड में घूमने वाले लोग हैं, उनको टारगेट करिए और उनको बोलिए गांव में भैया मेरी सभाएं कराइए, गांव में मेरा शिविर करवाइए, गांव में मेरे कैंप करवाइए, और प्रोडक्ट की दुकान खोल दो, जहां खड़े हो जाओ वहां प्रोडक्ट खुल, वो फाइल खाने से काम चलेगा साहब। हाँ, वो फाइल वाइल से काम चलने वाला नहीं है, मेरे पास तो फाइल ही नहीं था, मैं तो बिना फाइल का काम किया, पहले दिन से प्रोडक्ट से काम किया, मुझे कौन फाइल देने वाला था, मेरे पास फाइल है ही नहीं। आपको तो सबको अपलाइन मिल रहा है, आपके पास तो TC है, आपके पास तो DTC है, आपके पास तो ZTC है, आपके पास तो STC है, RTC है, NTC है, CTC है, ITC है, मेरे पास तो सीधा डायमंड है और कोई है ही नहीं बीच, किससे मांगू फाइल, डायमंड को फील्ड में ले जाऊं क्या। आज तक 2 साल हो गए, एक दिन भी डायमंड के साथ मैंने फील्ड नहीं किया, मेरे डायमंड साहब आज तक मेरे लिए तो फील्ड में आए नहीं, और आना भी नहीं चाहिए, फायदा भी बोलता है, क्योंकि जब तक वो आएंगे, वो अगर बार बार आएंगे तो मैं फील्ड में कच्चा रह जाऊंगा, और नहीं आएंगे तो मैं पक गया, और फील्ड में पकते कब हुआ, जब आपको अप्लाई नहीं आता है और आपको बार 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 मार्केट में आपको फेलियरिटी मिलती है, आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तब आप इस बिजनेस में आप पकते हो, आपका पेशेंस चेक होता है। मेरा अप्लाई ने मेरा पेशेंस चेक किया, मैं फील्ड में कभी नहीं आया, मैंने कभी बुलाया भी नहीं उस तरीके से, पूरी तरह से घर में लॉक कर दिया जाएगा, उस हालात में भी हमारा धंधा हमको पैसा देगा, हमारी इनकम ठीक ठाक रहेगी, हमको घर चलाने के लिए बांधे नहीं रहने वाले। तो ये सारी चीजें जो है, मान के चलो कि जिंदगी में सफलता जो मिलती है तो परीक्षा भी होती है, और एक सिद्धांत मेरा और आपको लिख लीजिए कागज, इस बिजनेस को मैं 3 प्रिंसिपल पे करता हूं। नंबर 1 प्रिंसिपल दूरदृष्टि, नंबर 2 कड़ी मेहनत, और नंबर 3 पक्का इरादा। मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, और बिजनेस में ये तीनों चीजें, तीनों प्रिंसिपल होने आपके पास बहुत जरूरी है। और मेरा जब डाउनलाइन ये बातें नहीं मानता है ना, मेरा RTC, मेरा STC, मेरा जो TC लीडर ये बात नहीं मानता, तो मेरे को गुस्सा भी आता है, मैं चिड़चिड़ाता हूं उनको कि भैया देखो बिजनेस करना है ना तो 3 चीजें मेन है, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। तुम्हारा इरादा पक्का नहीं है, तुम्हारे पास दूरदृष्टि नहीं है, तुम क्यों नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तुमको ये भी नहीं पता ही नहीं है, तुमको कौन से धंधे में ला रहे हैं, नहीं तो जिंदगी भर वही स्टडी भी नौकरी और वही स्टडी भी मेहनत, जिंदगी भर करते रहो, जिंदगी भर मेहनत करते रहो। रतन टाटा का डायलॉग आज भी मैंने भेजा, चाहे बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, रतन टाटा बोलता है नींद में भी पैसा आना चाहिए। वो एक फोटो के साथ, रतन टाटा के साथ एक डायलॉग था, नींद में भी चलती, नींद में भी अगर आपको जो पैसा आएगा ना, उसको पैसिव इनकम बोला जाता है। वो तभी होगा जब आप बिजनेस एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करो, और बिजनेस एटीट्यूड जो है वो 3 चीजें आपको पहले सीखनी पड़ेगी, और ये 3 चीजें अपने दिमाग में अंदर बिठा लीजिए, आप बिजनेस में आ चुके हो, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ये 3 चीजें आपके अंदर में है, आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। दूरदृष्टि का मतलब क्या है, दूर की सोचना है, ये बिजनेस 2 साल के बाद हमको NTC बनाएगा, हम घर से नहीं निकलेंगे तो भी 2 लाख रुपए महीना हमको देगा, ये बिजनेस 3 साल के बाद हमको CTC बनाएगा, घर से नहीं निकलेंगे तो भी 5 लाख देगा, ये बिजनेस 5 साल के बाद हमको ITC बनाएगा, डायमंड बनाएगा, हम घर से नहीं निकलेंगे तो भी 10 पेटी हमारे अकाउंट में आएगा, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, 1 करोड़ महीना भी आ रहा, कोई लिमिट नहीं। लेकिन ये तीनों, ये होने के लिए आपको अंदर में बिलीव होना चाहिए, नंबर 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। पक्का इरादा का मतलब क्या हुआ, कड़ी मेहनत तो मतलब समझ गया, अनकंडीशनल मेहनत करनी है। अनकंडीशनल का मतलब क्या है मालूम, अनकंडीशनल का मतलब यह है कि आपको अपना मैरिज एनिवर्सरी भी याद नहीं रखना, आपको 1 साल 2 साल आपको
बर्थडे भी याद नहीं रखना। जब मैरिज एनिवर्सरी बर्थडे आप भूलना शुरू कर जाओगे, दोपहर का खाना खाना भूल जाओगे, कभी कभी रात का खाना भी भूल जाओगे। मैं तो, मेरे को याद आता है मेरे संघर्ष के दिनों में मैंने कभी दिन का खाना खाया ही नहीं। सुबह अगर इडली मिल गई तो कहीं तो ठीक है, गांव में कहीं इडली मिल गया, कहीं कुछ मिल गया खाने को ठीक है। सुबह 9 बजे अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, वरना सीधा रात का खाना ही नसीब हुआ, दिन का खाना हमने कभी याद ही नहीं किया। और जब तक आपको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना याद रहेगा ना, तब तक ड्रिंक नहीं होगा, तब आपको कुछ भी पूरा नहीं होने वाला है। आप ये खाना पीना, इसी को बोलते हैं 2 साल अनकंडीशनल मेहनत, मतलब पक्का इरादा के साथ, कोई भी प्रकार का बहाना नहीं चलेगा। सर बरसात आ गई, अरे यार पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं बरसात में, पेड़ के नीचे खड़े होकर के, किसी छज्जे के नीचे खड़े होकर के हमने अपना टाइम बिताया बरसात रुकने तक का, और मोटरसाइकिल लेके आगे बढ़े थे। ये रायपुर में 300 रुपए लेके आया था, आज से 2009-10 में बता रहा हूँ, 300 रुपए लेके आया था, एक मोटरसाइकिल लेके आया था, और आने के बाद 3 महीना के अंदर में 6 लाख रुपए का कार खरीदा था। अनकंडीशनल मेहनत किया था एक मोटरसाइकिल से, 3 महीना के बाद में इंडिगो कार लिया था नया, उस टाइम 2011 की बात, 10-10 की बात बता रहा हूँ, 11 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम जमाने में। अनकंडीशनल मेहनत मतलब मैं आया था पक्के इरादे के साथ। जब कड़ी दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ आप भारत के किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी गली में, किसी भी जगह पर जब आप उतर जाते हो ना, तो जैसा आप चाहोगे ना वैसा होगा। लोग आपके कॉन्फिडेंस से आपसे रिलेट करेंगे, आपके बिलीव लेवल से रिलेट करेंगे, आपको इस बिजनेस में कितना बिलीव है, कितनी कड़ी मेहनत करने को आप तैयार हो, सुबह जल्दी उठ के फील्ड में निकलने के लिए और रात में सोते तक आपको फील्ड में। 2 साल तक ना आपको बर्थडे दिखना चाहिए, ना आपको मैरिज एनिवर्सरी दिखना चाहिए, ना आपको सब्जी लाना याद रहना चाहिए, ना आपको मतलब टीवी, मैं अपना रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैं 5 साल से टीवी नहीं देखा हूँ, आपको याद है, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ 5 साल से, क्योंकि जो टीवी देखता ना वो टीवी में कभी नहीं दिखता। जैसे आज अभी आप मेरे को टीवी के माध्यम से 500,000 लोग सुन रहे हो, क्योंकि मैंने टीवी देखा नहीं है, इसलिए मैं टीवी में आ जा रहा हूँ। यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से आज सारी दुनिया मेरे को देख रही है, इस लायक मैंने बनाया क्योंकि मुझे टीवी देखना याद ही नहीं आता है। मैं आज तक दुबई के होटल में रुका हूँ, मैं दुबई में, सिंगापुर में मैं रुका हूँ, मैं थाईलैंड में चार चार बार रुका हूँ होटलों में, बड़े बड़े होटलों में, उज्बेकिस्तान, ताशकंद, सारे कंट्री में घुमा हूँ, 9 कंट्री घुमा हूँ पिछले 3-4 सालों के अंदर। मैंने किसी भी कंट्री में, मैंने होटल में टीवी नहीं चलाया। आज भी मैं मीटिंग करने के लिए इंडिया के किसी भी शहर में जाता हूँ, बनारस जाता हूँ, लखनऊ जाता हूँ, इलाहाबाद जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ मैं, छत्तीसगढ़ में या नागपुर में, कहीं पर भी मैं टीवी नहीं देखता। ये मेरा पहला प्रिंसिपल। तो दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ये 3 चीजों के साथ जब इस व्यापार में आप उतरोगे, जो आप चाहोगे वो होगा। रिटेल और रीपर्चेज सिर्फ आपको 2 साल में एनटीसी बना सकती है। अगर आपको 5 साल वाला एनटीसी चाहिए तो जैसा कर रहे हो वैसे करिए, और अगर 2 साल वाला एनटीसी चाहिए तो जैसा थोड़ा सा गाइडेंस जो बताया हूं उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए, अपना हेल्थ काउंसलिंग बढ़ाइए, अपना प्रोडक्ट काउंसलिंग बढ़ाइए, आपका काम शुरू। चलो ये तो वही बात, आगे एक टॉपिक और ले लेता हूँ जो हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं उसके पीछे एक और रीजन। अगर आपको फास्ट सक्सेस चाहिए ना, एक फार्मूला जो मुझे अभी पता चला है, मेरे को भी नहीं पता था भाई, अभी 1-1.5 महीना पहले पता चला है, और वो फार्मूला जो लीडर अपनी टीम में डाल देगा उसका सीलिंग कभी नहीं टूटेगा, उसका सीलिंग कभी टूटेगा नहीं। 2,10,000 रुपया हर हफ्ता है, और वो फार्मूला आने वाले 6 महीना के अंदर अपने को सीलिंग के ऊपर बनाएगा। कैसे बनाएगा उसका आज मैं प्रैक्टिकल तरीका बताऊं। इस बिजनेस में हमारी कंपनी ने हमको 2 लेग में रैंक दिए, टीसी, एटीसी, डीटीसी, एसटीसी, जेटीसी, जो भी आप सब जान रहे हो वो रैंक दिए 2 लेग, और इस प्लान में 3 लेग में भी रैंक दिए, स्टार, सिल्वर, स्टार, पर्ल। मतलब अगर आप 3 फ्रंट डेवलप करते हो तो स्टार, सिल्वर, स्टार, पर्ल जाके आप आगे चले जाते हो, और 2 फ्रंट से आप चलोगे तो आप 2 लेग खोलोगे तो आप जो है टीसी से शुरू करके और एनटीसी आईटीसी तक जाओ, और अगर आप 3 लेग या 4 लेग से बिजनेस को करोगे तो स्टार, सिल्वर से आप डायमंड जाओ, ठीक है। तो जो लोग टीसी बन चुके,
आप जल्दी से जल्दी टीसी बन जाइए। सबसे पहला काम है रिटेलिंग से बन जाइए, प्रोडक्ट को आप खुद भी रिटेल करिए, अपने टीम में भी रिटेल करवाइए, एटीट्यूड डेवलप करिए बढ़िया शानदार तरीके से, आप डॉक्टर की तरह बनिए, फील्ड में जाइए एकदम जबरदस्त तरीके से, और जो जितनी बातें बताइए उनको फॉलो करके फटाफट। भैया 15 दिन में टीसी गया था, कोई लीडर वीडर नहीं थे मेरे पास, कोई टीम नहीं थी मेरे पास ज्यादा, खाली आता जाता इस बिजनेस में, और मेहनत किया, घर में नहीं जाता था, टीवी नहीं देखता था, सारे लफड़े झपड़े कुछ नहीं, और सिर्फ अपना एक ही काम था, टीम बनाना है या माल बेचना है, माल बिकेगा तो अपना लेवल आएगा। तो मैं बोला लेवल लाना है तो लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं, माल बिकना चाहिए, और माल बिका तो गाँव में शिविर लगाना शुरू कर दिया, कैंप लगाना शुरू कर दिया, माल बिकता चला गया, और जो माल बिका पेशेंटों को तो किसी न किसी के नाम से तो आईडी बनाना ही पड़ता है, तो आईडी बनाते चले गए, माल बिकता चला गया, एक नाम से 3 आईडी बना सकते हैं, एक परिवार में 5 नाम है तो 15 आईडी बना सकते हैं एक परिवार की। एक गांव का सरपंच मान लो आपका 1-1.5 लाख का माल बिकवा देता है तो उसके घर की 15 आईडी ठोक दो, 3 आईडी पिताजी के नाम से, 3 आईडी माताजी के नाम से, 3 आईडी उसकी पत्नी के नाम से, 3 आईडी उसके नाम से, 3 आईडी बेटे के नाम से, भाई के नाम से, 15 आईडी ठोक के स्ट्रक्चर बना करके माल बिकवा दो। ये तो हो गया, लेकिन अब आपके मुद्दे की बात बता रहा हूं, जो लीडर अपनी टीम में सबसे ज्यादा स्टार सिल्वर बनाएगा उसका सीलिंग कभी नहीं टूटेगा। जो टीसी टीम कोऑर्डिनेटर लेवल पे जो लीडर अभी बैठे हैं, जो पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, जितना जल्दी हो सके स्टार सिल्वर बन जाए। क्यों, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर जो अभी डीटीसी है और एक डिस्ट्रीब्यूटर स्टार सिल्वर है, डीटीसी का इनकम 25,000, स्टार सिल्वर का इनकम 50,000। डीटीसी बनने के लिए उसने 2 लेग में 7,500 डाला, और ये टॉपिक मेरे को चंचल साहब, हमारे डायमंड चंचल रस्तोगी साहब ने भी मुझे स्पेशली परमिशन दी है कि इस टॉपिक को लेना है, अच्छे तरीके से लेना है, सब लोगों को अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो आप सब लोग भी इस फार्मूले को समझ लीजिएगा, बहुत काम आने वाला है, मजा आ जाएगा सबको। एक बंदा डीटीसी है, डीटीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर बनना है, आपने लेफ्ट में 7,500,000 का बिजनेस डाला और राइट में 7,500,000 का बिजनेस डाला, यानी 15 लाख का धंधा उसके गया, तब वो बना डीटीसी। और मान लो अपलाइन ने पावर दे दिया होगा एक साइड में, मान लो एक बंदी पड़ी है, दूसरी साइड में काम कर रहा है, अगर इधर भी 7,500,000 का धंधा डालेगा तब ना डीटीसी बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर ये डीटीसी का लेवल मैंने आपको समझाया, और डीटीसी लेवल के बाद यदि आपको जितना धंधा डालोगे उसी पे तो 12% आएगा ना। अगर आपका मान लीजिए 1 लाख का धंधा लेफ्ट में जा रहा है, 1 लाख का धंधा राइट में जा रहा है, या मान लीजिए 2 लाख का धंधा लेफ्ट में जा रहा है, 1 लाख का धंधा राइट में जा रहा है, तो डीटीसी लेवल पे आपकी बाइनरी कितनी आएगी, 12,000 रुपया आएगी। परफॉर्मेंस बोनस डीटीसी लेवल को करने के लिए 3,75,000 का धंधा दोनों लेफ्ट में डालना पड़ता है, 3,75,000 बीवी, तब डीटीसी लेवल को परफॉर्मेंस बोनस आता है। तो यहाँ पर उसको परफॉर्मेंस बोनस तो नहीं आएगा, लेकिन 2 लाख के धंधे से और 1 लाख के धंधे से हो सकता है कि रीपर्चेज में धंधा गया तो उसको 5,000 रुपया सैलरी मिल जाए, एक डीटीसी लेवल, यानी एक डीटीसी लेवल कमा रहे हैं 17,000। आप देखिए स्टार सिल्वर की, अगर किसी सिचुएशन में स्टार सिल्वर कितना कमा, एक एक 2 लाख का धंधा इधर दिया, 1 लाख का धंधा इधर, एक स्टार सिल्वर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, एक स्टार सिल्वर 2.5 लाख मान लो इधर अपलाइन के सपोर्ट से 2.5 लाख हो गया, आपने इधर 2.5 लाख इधर 2.5 लाख कर दिया फटाफट, आप यहाँ पर तत्काल का लालच मत देखिए, डबल आईडी हिटिंग मत देखिए, ट्रिपल आईडी हिटिंग मत देखिए, ये सब शॉर्ट टर्म गेम है। आप यहाँ पर ये देखिए वॉइस ब्रेक हो रहा है सभी लोगों को या ठीक आ रहा है सर? देव सर वॉइस ठीक है सर, अभी ठीक है, ओके ना। तो आपने 2.5 लाख तीनों लेग में आपने फटाफट डाल दिया, इधर वाले लेग में भी फटाफट आपने 2.5 लाख कर दिया। अरे 2.5 लाख आपको भारी लग रहा है, तब तक भारी लगेगा जब तक रिक्रूटमेंट पे बिजनेस करोगे, तीसरे डब्बे के आधार पे बिजनेस करोगे, भारी लगेगा स्टार सिल्वर बनना। लेकिन यदि आप
गांव में शिविर लगा के, कैंप लगा के, प्रोडक्ट को हाईलाइट करके, प्रोडक्ट डिस्प्ले करके यदि धंधा करोगे तो आपको, एक सेकंड सर, मैं, हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो, मैं, साउंड क्लियर है सर, जब आप बोर्ड के पास जा रहे हैं थोड़ा कम साउंड आता है, साउंड नहीं तो क्लियर है, परफेक्ट है। टॉपिक खुल गया था, मैं अभी आपको बता दूं। आप बोलोगे सर डॉक्टर को इतना सप्लाई कैसे होता है, मैं डॉक्टरों को कभी नेटवर्किंग नहीं समझाता। डॉक्टर अगर बोलेगा भी ना कि नेटवर्क ये प्लान है क्या, मैं बोलता हूँ नहीं, मैं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के कुछ वैज्ञानिक लोग हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है। अरे रिटायर्ड वैज्ञानिक है ना यार, टेंशन, तो कुछ ऐसे वैज्ञानिक लोग हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है, जो डाबर हिमालय से रिसर्च करके निकले हैं और बहुत ही अनुभवी साइंटिस्ट है, आयुष प्रीमियम का मार्का लगा है। और जैसे ही प्रोडक्ट मैं दिखाना शुरू करता हूँ और प्रोडक्ट के ऊपर जो मार्का लगा रहता है वो देखने के बाद, तो डॉक्टर सरेंडर हो जाता है। और सारे प्रोडक्ट का जो है ना सिरप पहले दिखाता हूँ, फिर कैप्सूल दिखाता हूँ, सिरप और कैप्सूल पहले दिखा डालो डॉक्टर को, उसको दो चार पांच प्रोडक्ट तो जम ही जाएगा। और डीपी एमआरपी बता डालो भाई, ये डीपी एमआरपी, इसके अलावा कुछ नहीं बताने का, पूछेगा भी नहीं उसको, वो एक ही चीज पूछेगा रिजल्ट है कि नहीं। बोलना सर रिजल्ट तो गजब के आए हैं, आप यूट्यूब में देखोगे भरे पड़े हैं रिजल्ट, बहुत सारे इतने रिजल्ट है कि आपको हजारों रिजल्ट है, नहीं मालूम है तो भी बोल दीजिए यूट्यूब में भरा हुआ पूरा, जो कॉन्फिडेंस दिखाओगे ना वही बिकेगा। उसके बाद वो डॉक्टर क्या करेगा, तो दो चार पांच प्रोडक्ट आपसे लेगा और बेच के रिजल्ट निकालने की कोशिश करेगा। रिजल्ट भले ही समझ में उसको थोड़ा मोड़ा आएगा, थोड़ा मोड़ा नहीं आएगा, लेकिन उसको एक चीज पक्का समझ में आएगी, क्या मालूम, 235 रुपये एमआरपी, 150 रुपये डीपी, 85 रुपये का रिटेल प्रॉफिट लीवर गेन सिरप में, उसका बाप भी उससे प्रोडक्ट बिक पाएगा। और जब आप वो अगर डॉक्टर आपका लीवर गेन सिरप नहीं लेगा ना, वो मार्केट से हिमालय का प्रोडक्ट उठाएगा लीव 52, और लीव 52 113 रुपये में देगा पेशेंट को, उसको 10-15-20 रुपये मिले, तो 20 रुपये चाहिए कि उसको 85 रुपये चाहिए, वो तो 235 वाला प्रोडक्ट पहले बेचेगा, वो बोलेगा मुझे तो मार्जिन चाहिए, तो 85 रुपये मार्जिन दे रहे हैं अपन लोग लीवर सिरप में। ऐसे हमारे सभी सिरप में हम लोग लगभग 100 रुपये एवरेज मार्जिन दे रहे हैं सभी सिरप में, मार्केट का कोई भी, ये जो ब्रांडेड कंपनियां हिमालय वगैरह की जितने भी चल रही है, 100 रुपए का मार्जिन कोई भी 300 रुपए के प्रोडक्ट में नहीं, किसी भी कंपनी, इस वजह से डॉक्टर लोग हमारा माल बेचेंगे। आप डिस्प्ले तो करिए, लेकिन अपने अपलाइन को प्रॉपर्टी डीलर बना के मत ले जाइए, अपने अपलाइन को जो है वो क्या बोलते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर बना के मत ले जाइए, अपने अपलाइन का परिचय जो है ना वैसे मत दे दीजिएगा जैसे देते हो, वो दे दोगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सब कहानी खराब हो जाएगी। डॉक्टर जो है किसी भी नेटवर्कर से प्रोडक्ट की जानकारी नहीं लेना चाहेगा, वहां पर एक एमआर बन जाएगा, मैं तो एमआर बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, डॉक्टर जो मुझे समझना चाहता है एमआर समझ जाए, मैं एमआर बनूंगा, वो मुझे अगर वहां पर, उसको भी धंधा मेरे को एक दिन के लिए थोड़ी देगा, वो तो हर हफ्ते देगा, हर हफ्ते 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 का बिजनेस देगा मेरे को, हर हफ्ता 9% के हिसाब से 9% की बाइनरी मिलेगी उससे, हर हफ्ता डबल आईडी हिट में मारूंगा तो डबल आईडी हिट में बाइनरी मिलेगी, तीसरी लेग में छोड़ूंगा तो तीसरी लेग में मेरे सारे लेवल पूरे करवा देगा एक ही डॉक्टर। इसलिए मैं उसे वो बात बोलूंगा जो वो सुनना चाहता है, मैं वो नहीं बोलूंगा जो वो सुनना नहीं चाहता, तो अपने डायलॉग्स पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बता चुका हूँ क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो अब आती है बात अपनी थर्ड फ्रंट, जिन्होंने अपनी थर्ड लेग नहीं खोली है, थर्ड लेग में एक दो डॉक्टरों को जोड़ने का प्रयास करो फटाफट, स्टार्टिंग में जल्दी से जल्दी, डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो किसी गांव के सरपंच को जोड़ो, किसी सचिव को जोड़ो, किसी अधिकारी को जोड़ो, किसी प्रभावशाली आदमी को जोड़ो जो गांव में शिविर लगवा सके, कैंप लगवा सके, कुछ भी कर सके, और थर्ड लेग में लेके आओ, और थर्ड लेग में लाके 2.5 लाख कर दो, एक दिन में करो, एक महीना में करो, दो महीना में करो, तीन महीना में करो, चार महीना में करो, पांच महीना में करो, जब भी करो करो। हाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर की कोई वैसे परिभाषा नहीं है, सीधा सीधा बता दूं आज की डेट में गांव के जितने भी डॉक्टर है ना इंजेक्शन भी लगाते हैं और आयुर्वेदिक दवाई भी बेचते हैं, डिग्री उनके पास कोई नहीं, समझ रहे हैं, मतलब हमने को ऑलराउंडर डॉक्टर चाहिए, एमबीबीएस नहीं चाहिए, सही है ना, एमबीबीएस नहीं चाहिए, एमबीबीएस डॉक्टर तो 10 रुपए की चीज 200 रुपए में बेचता है, 20 रुपए का चीज जो है 500 रुपए में बेच देता है, तो एमबीबीएस डॉक्टर अपने को लाइन नहीं देने वाला है, अपने को घास नहीं डालने वाला है, अपने को तो वो डॉक्टर चाहिए जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो भी डरेगा अपन भी खुश, क्यों, मार्केट में वो भी गलत काम कर रहा है, बिना डिग्री के माल बेच रहा है, चला रहा है सब चीज, और अपने पास आयुष प्रीमियम का मार्का है, और अपन बताएंगे भाई साहब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आपको अप्रूव करा दूंगा,
पीएमकेवीवाई के तहत आप माल बेच सकते हो हमारा स्किल इंडिया के तहत, आपको हम स्किल इंडिया लाइसेंस दिलवा देंगे, हो गया ना काम खत्म, डॉक्टर भी खुश अपन भी खुश, 6 लाख का माल बिकवा दो हम आपको पीएमकेवीवाई दिलवा देंगे, लेफ्ट में 2.5 लाख बीवी, राइट में 2.5 लाख बीवी, हो गया हमारा तो 3-3 लाख का लेफ्ट राइट 6.5 लाख का बिजनेस, 6.5 लाख का धंधा दो पीएमकेवीवाई दिलवा दूंगा आपको, देगा ना तो देगा ही देगा पीएमकेवीवाई के लिए, स्किल इंडिया सर्टिफिकेट के लिए, छोटा सा एग्जाम पास करना फॉर्मेलिटी है, उसमें कुछ नहीं है, पास हो जाते हैं। तो ये 2.5 लाख बन जाइए फटाफट, जितने भी टीसी लीडर है, डीटीसी लीडर है, एसटीसी लीडर है, आरटीसी लीडर है, अभी तक आप नहीं बने हो, आपको जानकारी नहीं थी, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपको आज जानकारी दे दी गई है, फटाफट स्टार सीलर बन जाइए। इससे क्या होने वाला है, आपको 6 महीना में यदि स्टार सिल्वर बनना है तो मैं एक फार्मूला बताता हूँ, और एक फार्मूला 2 महीने वाला भी है, पहले 6 महीने वाला बता देता हूँ। 6 लोगों को 10K क्लब करवाइए, 6 लोगों को 10K स्टेटमेंट करवाइए इस महीने, 6 लोगों को 10K स्टेटमेंट कराइए इस महीने, और 6 लोगों को 10K स्टेटमेंट कराइए। 6 लोग जब 10K करेंगे तो महीने का 60,000 का माल कितना शुरू किया, इन्होंने भी 60,000 का माल लिया, अगर 6 महीने तक लगातार का माल उठाएंगे तो 3,60,000 का माल आ गया, इधर भी 3,60,000 हो गया, इधर भी 3,60,000 हो गया, ये डीपी रेट में हो गया, बीवी निकालो हो गया स्टार सिल्वर, ये देख लो भाई साहब ढंग से लिख लो आप, अगर 6 महीने में स्टार सिल्वर बनना है तो ये फर्मूला, पैसेंजर ट्रेन की तरह अगर स्टार सिल्वर बनना है तो ये कर सकते हो आप। और जो लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी है, बिजनेस का नॉलेज नहीं है, जिनको प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको 2,10,000 पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसको एनटीसी पे भी विश्वास नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं वो, है ना, ऐसे लोगों को तो ये फार्मूला ठीक है, सिर्फ 10K 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 6 लोगों को तीनों लेवल में कर डालिए, आराम से हो जाएगा। 10K का मतलब समझ रहे हैं ना, 6 महीने लगातार यदि आप 10,000 का माल उठाते हो आप या आपकी टीम, तो उनको कंपनी 15% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे रही है, 15% और 7.5% इमीडिएट फ्री, यानी 22% इमीडिएट फ्री मिल रहा है आपको 10K क्लब में, जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको। और यदि आपको 6 महीना में स्टार सिल्वर जाना है, एक फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर, नया डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ, जिसका आज बिजनेस जीरो है, उनको बोल रहा हूँ, जीरो जिनका लेफ्ट राइट जीरो है, उनको क्या करो, तीनों लेग में 6-6 आदमी को 10K में बुक करो, उनको बताओ कि 22% का माल फ्री मिलेगा और बाकी 30% रिटेल मिल रहा है, और अकाउंट में ट्रांसफर आ रही है 9% की अकाउंट में और आ रही है, उनको बताओ ये सब। तो तीनों लेग में जब आप 6-6 लोगों को 10K दे दोगे, तो मैंने बताया ना ये कभी तब कर पाओगे ना भाई साहब, जब दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ये तीनों फार्मूला आपके पास होना चाहिए, प्लस आपका ड्रीम, आपका सपना, आपकी जरूरतों से बड़ा होना चाहिए, आपको वो टीवी देखने से और एक कंफर्ट जोन में जीने से और घर में आराम से तकिया डाल के जो अभी आप सो रहे हो ना पंखे के नीचे, मैं देख रहा हूँ सबको, उससे ये काम चलने वाला नहीं है भाई साहब, हम लोग तकिया डाल के नहीं सोए हैं, यूपी में तो देखता हूँ तकिया भी डालते हैं, कटिया भी डालते हैं, कटिया और तकिया ये सब चीजों को छोड़ दीजिए, कुछ दिन के लिए जिंदगी बन जाएगी, एसी में जियोगे, एयर कंडीशन में, और बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, और नहीं तो कम से कम 10-12 लाख की तो गाड़ी आपके पास होगी होगी, दो चीजों को छोड़ दीजिए बस, उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये तकिया को छोड़ दीजिए, आराम को छोड़ दीजिए, कुछ दिन टीवी को छोड़ दीजिए, कुछ दिन अपना जो है जिंदगी को समझ लीजिएगा कि ये मनुष्य जन्म मिला है, एक बार मिला है, दोबारा मिलने वाला नहीं है, और आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके जो फैमिली है ना, वो आपको देख करके कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन आपके जैसे व्यक्ति को जो दिन भर तकिया डाल के घर पर टांग पे टांग उठा के पड़ा रहता है ना, उस व्यक्ति से उसकी फैमिली भी परेशान है, कहीं ना कहीं उसकी फैमिली भी चाहती है कि ये घर से बाहर निकले, कुछ करे, लेकिन आपने तो कसम खा के रखी है कंफर्ट जोन में जीऊंगा, कंफर्ट जोन में खिलाऊंगा परिवार, आपको तो वो चाहिए ही नहीं ना, आपको टीवी, आपको वो क्या बोलते, गाड़ी इसलिए नहीं चाहिए, आपको बैंक बैलेंस इसलिए नहीं चाहिए कि आपके पड़ोसी के पास नहीं है, आपके दोस्तों के पास नहीं है, आपके पड़ोसियों के पास नहीं है, तो आपको भी नहीं चाहिए, आप तो यही फार्मूले के साथ काम कर रहे हो, अपनी जिंदगी जी रहे हो। अरे चंचल सर को देख के जियो ना, आशीष सर को देख के जियो, हमको देख के जियो ना भाई, कि हम लोग जो है कंफर्ट जोन में नहीं जी रहे। तो आपको करना ही है साहब कि सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और अपना ये जो क्या बोल रहा था मैं, टीवी शीवी के लाइफ से बाहर निकलिए, फटाफट स्टार सिल्वर ब्रेक करिए। स्टार सिल्वर ब्रेक करने से होगा क्या, एक तरीका तो ये तरीके से आप स्टार सिल्वर बन जाओगे पहला, दूसरा तरीका एक और,
30-40 हजार का प्रोडक्ट अपने पास रखिए, अपने डाउनलाइन को बोलिए ले यार 15 हजार का रख, 15 हजार का मैं रखता हूँ। 30-40 हजार का प्रोडक्ट लेकर के गांव में डिस्प्ले लगा दीजिए, आयुर्वेदिक कैंप लगा दीजिए, शिविर लगा दीजिए, और जितने भी जूम मीटिंग, अभी अगर मान लो माहौल नहीं साथ दे रहा है तो जूम मीटिंग करिए, जो भी करिए प्रोडक्ट डिस्प्ले के साथ करिए ना। प्रोडक्ट का डिस्प्ले जब करोगे तो भी वो फार्मूला लागू हो जाएगा, जो दिखता है वो जो दिखता है वो बिकता है। तो प्रोडक्ट के साथ में जब डिस्प्ले स्टार्ट कर देंगे तो ये स्टार्ट करने में 2 महीना जाएगा, सिर्फ 2 महीना, हो सकता है 1 हफ्ता में हो जाए, जैसे टीसी मेरा 15 दिन में हुआ था, 6 महीना में एसटीसी हुआ था। अरे मुझे भी नहीं पता था भाई, अभी 2 महीना पहले पता चला, 1 महीना पहले स्टार सिल्वर में बहुत ताकत है। क्या होगा स्टार सिल्वर बनने से मैं आपको बता रहा हूं, आपका इनकम स्टार सिल्वर होने से 25,000 रुपए महीने का इनकम आपका बढ़ जाएगा, महीने का 25,000 आपका इनकम प्लस हो जाएगा। कैसे देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया एक डीटीसी लीडर 2 लाख का बिजनेस लेफ्ट में दे रहा है, 1 लाख का बिजनेस राइट में दे रहा है, 12,000 रुपया डीटीसी बनने के लिए 7.5 लाख उसने साल भर में कर लिया, 6 महीना में किया, साल भर में किया, कर लिया। लेकिन उसके बाद उसकी टीम के द्वारा महीने का 2 लाख का धंधा लेफ्ट में जा रहा है, 1 लाख का धंधा राइट में जा रहा है, 12,000 रुपये की सैलरी आ रही है, 5,000 रुपये का सैलरी मिल रही है, टोटल कमा रहा है 17,000 रुपये महीना एक डीटीसी लीडर। मैं छोटे से छोटे शुरुआत कर रहा हूँ, हो सकता है इसे बड़ा भी चेक हो सकता है आपका, लेकिन मैं छोटी शुरुआत बता रहा हूँ। अब आगे क्या होगा देखो, अगर इतना ही बिजनेस एक स्टार सिल्वर अपनी आईडी में मारता है, देखिए अभी बदल देता हूं, ये स्टार सिल्वर है भाई साहब, ये 2.5 लाख लेफ्ट में हो गया है, 2.5 लाख इनका राइट में हो गया है, और 2.5 लाख इनका राइट में हो गया है, और ये होने के बाद में ये बंदा 1 लाख का बिजनेस लेफ्ट में डाल रहा है, महीने में 1 लाख का बिजनेस राइट में डाल रहा है, 1 लाख का थर्ड लेफ्ट में डाल रहा है, और ये स्टार सिल्वर है। होगा क्या, इस बंदे को अगर अप्लाई नहीं, इधर से थोड़ी पावर चल रही होगी तो इधर लगभग 18,000 की बैटरी इसको आ जाएगी, 2 लाख के बिजनेस लगभग, अगर स्ट्रक्चर अच्छा हुआ तो 2 लाख की बैटरी 18,000, और नहीं भी अच्छा हुआ तो 1 लाख की बैटरी तो आएगी 12,000 रुपये, सॉरी 9,000 का कुछ तो आएगी, 9,000 आएगी, और इसमें 18,000 आएगी, मैं डीपी रेट से बता रहा हूँ सॉरी। और इतना करने से स्टार लीडर को 10,000 रुपया परफॉर्मेंस बोनस आएगा, परफॉर्मेंस बोनस। अगर प्लान नहीं पता है तो ढंग से समझ लीजिए, और एक स्टार सिल्वर को अगर महीने में 3 लेग में 1-1 लाख का बिजनेस जाता है तो 10,000 रुपया परफॉर्मेंस बोनस आता है। मेरे लीडर अभिषेक सर जो यूपी में है लखीमपुर खीरी में, उनको इस महीने स्टार सिल्वर का परफॉर्मेंस बोनस आया है 10,000 रुपया, क्योंकि वो स्टार सिल्वर फटाफट बन गए, उनको भी ये फार्मूला पता चला, फटाफट स्टार सिल्वर बन गए, और बनते साथ उनको 10,000 रुपये का परफॉर्मेंस बोनस आया। उन्होंने एक काम किया, ये दोनों लेग में तो 1-1 लाख का बिजनेस जा ही रहा था, इस लेग में 1 लाख का धंधा डाला, आ गया स्टार 10,000, और इस 1 लाख में उन्होंने क्या किया, 20,000 की रीपर्चेज मिली, तो हुआ क्या, 7,500 रुपया उनको स्टार पर्ल की, स्टार सिल्वर की नहीं, स्टार पर्ल लेवल की लॉयल्टी उनको 7,500 रुपया यहाँ पे, 10,000, 7,500, 18,000 बैंगरी, और 2% उनको रैंक इनकम आ गई, रैंक इनकम 2% कितना होता है, 2% 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, टोटल 3 लाख, 3 लाख का 2% 6,000 रुपया। अब आप जोड़ लीजिए 10,000, 17,500 और 6,000, 23,500 और 18,000 बाइनरी, 41,500 रुपया उसकी इनकम हो गई एक महीने की, और डीटीसी पे 17,000 रुपये की थी उसकी, इतने बिजनेस पे 25,000 लगभग इनकम बढ़ गया, क्योंकि तो यहाँ पर 1 लाख का धंधा नहीं आएगा, यहाँ पर हो सकता है 3 लाख का धंधा आए, यहाँ पर 3 लाख आया, यहाँ पर मान लो 2 लाख आया, यहाँ पर मान लो 1 लाख आया, टोटल बिजनेस एक स्टार सिल्वर के 3 को 5 6 लाख का बिजनेस मिलता है, तो 6 लाख का 2% 12,000 रुपया रेंज इनकम हो जाएगी। प्लान अगर एक बार ढंग से समझ लो भाई साहब, सभी लीडर टीसी एंड अबव लीडर को, सॉरी सभी आरटीसी लीडर,
सभी एनटीसी लीडर्स सीटीसी लीडर्स अपने टीम में स्टार सिल्वर को ढंग से समझाता था, हमको 2% नहीं चाहिए भैया, हमको 2,10,000 की सीलिंग चाहिए। मैं वादा करता हूं आपसे 20 स्टार सिल्वर यदि आपकी टीम में हमारी टीम में हो गए ना, अपन परमानेंट सीलिंग करेंगे। 20 स्टार 20 स्टार्स अगर अपनी टीम में रहेंगे ना, अपन परमानेंट सीलिंग में 2,10,000 रखता रहेगा। अपने कोई 2% नहीं चाहिए, 3% नहीं चाहिए, ये अपने डाउनलाइन के लिए छोड़ दो। जो आज जुड़ा है ना उसके लिए छोड़ दो, जो टीसी है ना उसके लिए छोड़ दो, डीटीसी के लिए छोड़ दो। वो उसको 2% जो है जिंदा रखेगा, 2% उसको दिन रात फील्ड कराएगा, 2% में गांव का राजा बन के घूमेगा वो। और अपन लोग अपने को बाइनरी में खूब पैसा मिल जाएगा, समझ रहे हो? अपने को सारा ये लालच छोड़ दो 2% वाला, अपने को नहीं चाहिए, अपने डाउनलाइन को दिलाना है। जिसकी टीम में जितना ज्यादा स्टार उतना बड़ा लीडर बनेगा और उतना परमानेंट इनकम पे जाएगा, समझ रहे हैं? अभी एक टीम है, अभी अपने माई लाइफस्टाइल में एक टीम बहुत धूम मचा रही है पूरे इंडिया में। एक टीम है माई लाइफस्टाइल में जो अभी लॉकडाउन में BMW ऑडी मर्सिडीज सब ले रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बहुत धूम मचा रखी। और वो टीम का एक ही सीक्रेट है, स्टार 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 स्टार। अपनी टीम में जितने ज्यादा स्टार उन्होंने क्रिएट कर रखे हैं, प्लान में 2,10,000 के बाद सीधा स्टार, टीसी के बाद स्टार या टीसी के साथ साथ पहले दिन से स्टार। वो छोटा नहीं सोच रहे, बड़ा सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं स्टार बनाओ, स्टार सिल्वर बनाओ और टीम को लीडर को फ्री करो 25,000 रुपए महीना कमाने के लिए उसको, और 25,000 उसको जिंदा रखेगा और वो अगले लेवल तक अपने आप पहुंच जाएगा, अपन लोग भी मजा करेंगे। सभी लीडर को बोल रहा हूँ, आरटीसी एंड अबाउ लीडर अपनी टीम में स्टार बनाओ और दुबई में जाके बढ़िया लिमोजिन में घूमो, बढ़िया थाईलैंड में करो, मजे करो, पूरी दुनिया घूमो, मौज करो, मिसेज को लेके कश्मीर जाओ, कन्याकुमारी जाओ, पूरे वर्ल्ड में घूमो, पूरे इंडिया में घूमो, अपनी टीम में 20 स्टार सिल्वर क्रिएट करो, खेल सकता है, माई लाइफस्टाइल जिंदाबाद। यही बिजनेस है, मेरे को तो इतना ही समझ में आया साहब। चलिए आज की ट्रेनिंग में इतना ही करेंगे, क्योंकि बातें अभी बहुत सारी और हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये वर्चुअल मीटिंग नहीं है, आज ये हमारा जो ये मीटिंग चल रहा है ना, ये जूम मीटिंग चल रहा है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी बातें जो है हमने सामने से समझ में आती है, हो सकता है कि इसमें सारी बातें नहीं समझ में आवे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको 2-3 चीजें जो मैंने बताई है उसको अगर आपने नोट्स बना लिया है, डायरी में लिख लिया है, तो वो चीजें आपको आगे लेके जाएगी। रिटेल एंड रीपरचेज, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, ये सब बातें आपको याद रखनी है। और आपको बैग रखना है प्रोडक्ट का, याद रखिएगा, बिना प्रोडक्ट के बैग के धंधा नहीं करना है, खाली फाइल वाइल लेके नहीं चलना है। जिस डाउनलाइन के पास, जो डाउनलाइन स्टॉक मेंटेन करता है, उसी के साथ फील्ड में सबसे ज्यादा जाना है आपको, और जो डाउनलाइन स्टॉक मेंटेन नहीं करता है उसको सेकंड प्रायोरिटी, और जो स्टॉक मेंटेन करता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं जाऊंगा अपनी टीम के साथ, ऐसा सभी लीडरों को सपोर्ट करने के लिए बोल रहा हूं। मेरी टीम में वही लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं जो स्टॉक रखने में आनाकानी कर रहे हैं, जो इस बिजनेस को बिजनेस नहीं समझ रहे हैं, इस बिजनेस को आम का पेड़ नहीं समझ रहे हैं, इसको धनिया का पौधा समझ के रखे, और जो धनिया का पौधा समझ रखे हैं, खुद का इनकम भी धनिया जैसा हो रखा है। एक महीना आता है, एक महीना नहीं आता है, एक महीना आता है, एक महीना नहीं आता है। और जिसका जो प्रोडक्ट स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, वो घर में बैठे आराम से 50,000 महीना ले रहा, आराम से टेंशन फ्री ले रहा है। और स्टॉक मेंटेन करो साहब, पूरा धंधा स्टॉक का है, प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ाओ, अपना हेल्थ काउंसलिंग का नॉलेज बढ़ाओ। अब आपकी दिमाग में ये टेंशन आती है, सर प्रोडक्ट रखूंगा तो बिकेगा कैसे? एक ही कारण है, आपका हेल्थ काउंसलिंग वीक है, आपका हेल्थ काउंसलिंग और प्रोडक्ट काउंसलिंग वीक है। अपलाइन को ध्यान देना, उसके ऊपर हेल्थ काउंसलिंग और प्रोडक्ट काउंसलिंग पर स्पेशल मीटिंग सेशन है, आप उनके लिए करो। आप प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स, रिजल्ट के टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट के ज्यादा प्रोडक्ट पे अपना ध्यान बढ़ा दो, खेल चालू, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो आज की सारी बात मीटिंग्स आज हम लोग यही समाप्त करेंगे। आज जितनी भी बातें हैं वो सब आप लोगों के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आप लोगों के बिजनेस को ग्रो कराने के लिए हमने बताई है। इसमें कोई भी ऐसा बात नहीं है, कुछ बातें आपको हो सकता है हाइपर लगी हो, कुछ बातें हो सकता है कि अब भी आपको सूट नहीं कर रही हो, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और आपको इस बिजनेस में बड़े लेवल पे जाओगे तो सब बातें आपको धीरे धीरे सूट करेगी और आप इस बिजनेस में आगे हो जाओगे। और मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके आप कामयाब हो जाओ, परमानेंट सीलिंग मारना है, स्टार सिल्वर अपने टीम में क्रिएट करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय मलक, जय दोस्त, थैंक यू। थैंक यू सो मच संजय सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने हमें बताया आज, बहुत सारा टिप्स आपने बताया। आई होप सबको बहुत जबरदस्त लगा होगा ये सेशन, मुझे तो बहुत मजा आ गया। और वो सीक्रेट हमें पता चला कि आप जल्दी एनटीसी कैसे बने और इतना बड़ा टर्नओवर आप कैसे करें। हम सबको स्टार सिल्वर बनना है। और आज जो संजय सर ने बताया स्टार सिल्वर स्टार पल की बात, मैं भी लीडर्स आपको बताऊं ना, करीबन 1.5 साल पहले जब मैं स्टार सिल्वर बना,
मेरा इनकम 30,000 बढ़ गया ज्यादा। जब मैं स्टार पल बना तब से मेरा इनकम कभी भी 1 लाख के नीचे नहीं गया। तो आप लोग भी अपने टीम में स्टार सिल्वर स्टार पल को प्रमोट कीजिए। और संजय सर ने बहुत सारे चीजें के बारे में हमें बताया जो मैं बहुत सारा नोट किया हूँ, कुछ चीजें आप लोग याद रखिए। अगेन आप लोग यूट्यूब लिंक में जाके ये सारी चीज देख सकते हैं। हमें प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज है, हमें कुछ डिजीज के ऊपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, सर ने बताया। रिपोर्ट कैसे देखते हैं वो भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे ना तो परमानेंट बिजनेस बिल्ड होगा। तो थैंक यू सो मच अगेन संजय सोनी सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने हमें आज का इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया, जैसे बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है ना उस तरीके से सर आपने हमें समझाया। तो थैंक यू सो मच सर। और लीडर्स कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको देना चाहूंगा कि हमारा जो अगला प्रोग्राम है, आप सबको पता है हर थर्सडे को हम लोग TCR का EGTS करते हैं। तो अगला जो हमारा प्रोग्राम है राइट, TCR का जो मेगा BOP होने वाला है थर्सडे को 17 जून 6 बजे लाइव हम लोग जूम पे अगेन मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं हम सब बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि पहली बार हम नया होस्ट और नया प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटर को देखने के लिए जा रहे हैं राइट। और ये दोनों होस्ट और प्रेजेंटर दोनों UP मुरादाबाद से हैं। जो हमारे होस्ट के नाम है मिस्टर शायद आजम इकबाल सर, जो पहली बार होस्टिंग करने को जा रहे हैं जूम प्रोग्राम में, और जो प्रेजेंटर है मिस्टर अक्रम सर। तो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, नए होस्ट नए एंकर हमारे साथ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़िए, अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, फिर देखिए कैसे रिजल्ट आता है, बहुत मजा आएगा। याद रखिए 17 जून 6 बजे लाइव हम लोग मिलेंगे जूम पे। और इसके बाद और एक जबरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने टीम में सबके साथ इसको डिस्कस कीजिएगा। 16 तारीख को राइट 16 को डायरेक्ट सेलिंग इतिहास में MI लाइफस्टाइल पहला कंपनी है जो वर्चुअल प्रोडक्ट लॉन्च करने को जा रहा है, जो 16 तारीख को 5 बजे लाइव होने वाला है। 16 जून को वेडनेसडे को 5 बजे लाइव होने वाला। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं गाइस, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इतिहास में, नेटो मार्केटिंग इतिहास में पहला कंपनी है पूरा वर्ल्ड में जो ऐसा कारनामा करने को जा रहा है राइट। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। तो लीडर्स स्टे ट्यून्ड, तैयार हो जाइए। 16 तारीख हम लोग लाइव कंपनी के साथ लाइव ये वर्चुअल प्रोडक्ट लॉन्च में सब रहेंगे। और मैं आपको बताऊं ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है ना, जितने भी सारे अलग कंपनियों के लीडर हैं सब हमारे साथ जुड़ने वाले, हम लोग इतिहास बनाने वाले हैं गाइस। तो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट कीजिए, गेस्ट को भी प्रमोट कीजिए 16 तारीख का प्रोग्राम को। तो इसी के साथ लीडर्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट TCR मीटिंग में 17 जून को शाम को 6 बजे। तब तक सतर्क रहिए और कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना के साथ लड़ना है। थैंक यू सो मच लीडर्स। जय MI लाइफस्टाइल, जय 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 TCR।